हरे कृष्णा वेलकम टू लाइफ कोचिंग विद नमिता मैं हूँ नमिता पुरोहित आपकी हरे कृष्णा टीवी की इन हाउस लाइफ कोच आज है सात तारीख सेवेंथ फेब्रुअरी वेडनेसडे, एट पी एम और मैं आपका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ इस शो में आज का हमारा टॉपिक बड़ा जबरदस्त है आ, ये चीज हम सब फेस करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इससे कैसे डील किया जाए है ना बहुत चोटे पड़ती है बहुत कांटो जैसे लगते हैं परिवार एक गुलाब जैसा होता है गुलाब की सॉफ्टनेस होती है उसकी खूब अच्छी खुशबू होती है उसकी कितनी अच्छी मतलब ब्यूटी भी होती है लेकिन कभी कभी क्या नीचे कांटे भी होते हैं सबका अपना अपना स्वभाव रहता है एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं कटाक्ष होता है नेगेटिव बातें होती है कभी कभी इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आपको लिटरली उल्टी आने लग जाती है मतलब शरीर में एक रिवोल्ट सा होने लगता है और बॉडी साथ से नो तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि जैसे जब ये इतनी सारी फैमिली में टॉक्सिक toxic है टॉक्सिसिटी है नेगेटिविटी है और मैं काफी इस टॉपिक पे चर्चा करती हूँ लेकिन आज का जो हम स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं कि जब घर में बहुत ताने होती हैं बदतमीजी होती है गुस्सा होता है और घर का माहौल जो है वो खराब होता है और उससे हम परेशान हो जाते हैं तो क्या करें हम ताकि हम उनसे चीजों से परे रहे निपटे और अपने अपनी लाइफ में फोकस्ड रहे और आगे बढ़ते रहे तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी आ, हम आ, दो हफ्ते पहले से हमने शुरू किया है मैंने आप लोग को काफी मिस किया था तो जिन जिन ने मिस किया है मेरा शो मैंने 24 जनवरी को से शुरू किया है वापस ऑलमोस्ट एक साल बाद आ, हमने लास्ट वीक किया था जो आपने मिस कर दिया कि ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर कैसे निकले और हमने एनिमल मूवी और कबीर सिंह मूवी के एग्जाम्पल्स लेकर दिखाया था कि वॉट इज ट्रामा बॉन्ड एंड एवरीथिंग तो भी पे बड़ी फेमस है तो अगर आप इस एंगल को समझना चाहते हैं तो वो शो आपको जरूर देखना चाहिए आपका मिस हो गया बुरी तरह से तो लेकिन आज आप आए हैं तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और हम मैं टेक टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्लाइड शो शुरू कर दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको जल्दी से मिल जाए और मेरी एक और रिक्वेस्ट है सब दर्शकों से कि हरे कृष्णा टीवी से आपको इतना बेनिफिट मिलता है इतना कुछ हरे कृष्णा टीवी देता है इट इज रियली एन इस्कॉन कल्प वृक्ष है लेकिन आपके अगर अः आपको सपोर्ट आपका जो हम हमें सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है तो हरे कृष्णा टीवी में खुले दिल से आप डोनेट कीजिए ये जानिए कि ये शास्त्र विद्या के लिए दान है ये दूसरों के प्रति चैरिटी और खुद का भी जो आपका उद्धार हो रहा है उससे इस चैनल को सपोर्ट मिलता है तो मैं टेक टीम से यह भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पुट द चैनल योर डोनेशन डिटेल्स इन द चैट कमेंट्स ताकि सबको मिल सके और सब आपको इजीली सपोर्ट कर सके तो अब हम बात कर रहे हैं ताने बदतमीजी गुस्सा और खराब घर के माहौल से परेशान हो ये तरीके अपनाओ टॉक्सिक फैमिली से निपटने के लिए सो हियर वी गो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ तो आप एक बहुत ही बड़े हाई अचीवर हैं ठीक है आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं आप बहुत बड़े लीडर हैं आप खूब टैलेंटेड हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम से आ, तो पूनम जी आपने कुरुक्षेत्र में डोनेट किया है लेकिन क्या ये हरे कृष्णा टीवी को भी ज अपरेट प्रोजेक्ट आप यहाँ सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपको यहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है ऐसा मुझे हरिकृष्णा टीवी ने कहने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है पर मुझे बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए तो मैं भी आके इनके कार्य को सपोर्ट करती हूँ आपको ऐसा नहीं कि मंदिर में दे दिया तो यहाँ देने की क्या जरूरत है सब जगह से लाभ उठता है तो आप अपनी यथाशक्ति कीजिए तो यस गोइंग बैक टू द टॉपिक आप एक बहुत हाई अचीवर है आप एक बहुत बड़े लीडर हैं आपकी दुनिया में वाहवाही हो रही है ऑफिस में लोग आपको मतलब इतना आदर सत्कार देते हैं आपके टैलेंट को इतना अप्रिशिएट करते हैं आपके काम की इतनी सराहना होती है और इतना चाहते हैं सब लोग आपको और आप घर पर आते हैं और घर पर जो माहौल होता है उसमें आप सपोर्टेड फील नहीं करते हो ये बहुत बड़े लीडर्स के साथ भी होता है यस yes? तो ये बहुत बड़े लीडर्स के साथ भी होता है वो बाहर जाते हैं अच्छा अचीव करते हैं लेकिन घर में उनको भी टॉक्सिसिटी के साथ डील करना पड़ता है उनके साथ भी बहुत तकलीफ होती है उनके कोई उनकी उनका जो स्पाउस है चाहे मेल हो या फीमेल हो नार्सिसिस्टिक हो सकता है या घर में पेरेंट्स का बराबर सपोर्ट नहीं है या जो सिबलिंग्स हैं उनका सपोर्ट नहीं है बराबर से और आ, ये जो आ, फिर ऐसे में वो भी डीमोटिवेट फील करते हैं आप भी डीमोटिवेट फील करते होंगे जब आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा आश्रय है वो तो हमारा घर ही है ना वही पे तो हमें एक वापस एक स्पूर्ति मिलती है एक एनर्जी मिलती है ताकि हम जो बाहर के चैलेंजेस हैं और उसको हम वापस अच्छे से फेस कर पाए क्योंकि काम पे इतने चैलेंजेस होते हैं इतना दिमाग लगाना पड़ता है इतने अच्छे से आगे बढ़ना पड़ता है इतना कंपटीशन होता है और हमें हमारी क्रिएटिविटी को बहुत इंटैक्ट रखना पड़ता है और क्रिएटिविटी तभी पनपती है हमारी सोल्यूशन फोकस्ड क्रिएटिविटी है हमारे काम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आगे करने के लिए जो क्रिएटिविटी होती है वो सब जब हमारा मन शांत होता है पीसफुल होता है आनंद में होता है तभी हम क्रिएटिव भी हो पाते हैं लेकिन जब घर में इतना कटाच होता है हमारा भी डीमोटिवेशन हो जाता है काफी बुरी तरीके से राइट तो हमें जो घर पे एनकरेजमेंट और सपोर्ट चाहिए रहता है ताकि हम बाहर अच्छे कार्य कर सकें वो नहीं मिलता हमें जी और वो जब नहीं मिलता है तो एक थोड़ा डिप्रेशन सा फील होता है बड़े अचीवर्स को भी एक आ, मन में आ, एक डीमोटिवेशन सा फील होता है कि यू नो क्या फ़ायदा है ये सब करके जब घर में ही प्रेम नहीं है और फिर ऐसे करके बहुत परेशान हो जाते हैं और लोगों की जो बाहर की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होने लगती है तो ऐसे में क्या किया जाए क्या किया जाए राइट right? तो अब जो घर में कटाक्ष करने वाले लोग होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कुछ इन ये और, और हमें आजकल इतना हो गया है फैशन सबको टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक बोलना कि हम बड़े इजिली एक दूसरे को टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक बोल देते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो सुन लिये और हम भी अपने आप साइको को साइकोथेरेपिस्ट समझते हैं और हमको लगता है कि हम सबको डायग्नोस कर सकते हैं लेकिन यू you नो know, वो हमारा कार्य नहीं है तो हमें उस लेवल की बातें नहीं करनी चाहिए राइट अगर आपका वो कार्य है आप उसमें कुशल है आपको बहुत एक्सपीरियंस है तब आप लेबलिंग कीजिए आप लेबलिंग मत कीजिए अनलेस यू आर क्वालिफाइड ठीक है और हर एक इंसान टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक नहीं होता है दो टाइप के प्रकार के लोग होते हैं जिनके कारण आपको जो घर में नेगेटिविटी क्रिटिसिज्म, आपका मजाक उड़ाना बदतमीजी ये सब होता है एक किस्म के जो लोग होते हैं वो तो होते हैं इमेच्योर वो इमेच्योर होते हैं उनको लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है उनको नहीं आता है लोगों से कैसे बात करना उनको नहीं अः दे वेरी इमेच्योर उनको बे रिलेशन और चाहे उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन उम्र से मेच्योरिटी नहीं आती है वृद्ध होने से वृद्धता नहीं आती है तो वृद्ध होने से बड़प्पन नहीं आता है तो उनको ना जो दो कैटेगरी के लोग होते हैं पहले कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं इमेच्योर उनको रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करना नहीं आता है उनको खुद के नीड्स खुद की फीलिंग्स खुद की चीजें ही नहीं समझ में आती है तो वो दूसरे को भी समझ नहीं पाते हैं और वो काफी विचित्र वे में बिहेव करते हैं तो इस टाइप के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो छोटा रावण है पहले उनके बारे में बात करते हैं फिर हम बड़े रावण के बारे में बात करेंगे और जब बड़े रावण से डील करना सीख गए ना हम तो छोटे रावण को तो हम आराम से डील कर पाएंगे करेक्ट तो उनको खुद को नहीं पता है वो खुद ही अपने जीवन में खुद में ही बहुत बिजी है कि उनको लगता ही नहीं है कि, कि किसी को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए किसी को एनकरेज करना चाहिए ऐसे ही डिस्करेजिंग बातें नहीं करनी चाहिए वगैरह बिकॉज दिसम सेल्व आर नॉट डन मच इन दियर लाइफ या उनको ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है करेक्ट और कई बार जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको नीचा दिखाते हैं आपकी हर बात में टांग अड़ाते हैं आपकी हर बात को गलत आ, आ, साबित करते हैं वो एक पर्टिकुलर अपनी नीड आवश्यकता को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और वो है नीड फॉर सिग्निफिकेंस कि मैं भी कुछ हूँ उन्होंने शायद अपने लाइफ में कुछ ज्यादा ना किया हो या किया हो बट उनको हमेशा ये है कि मैं बहुत सिग्निफिकेंट हूँ और उनका जो वे है ताकि उनको लगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सिग्निफिकेंट है वो वैसा खुद को तब फील करवा पाते हैं जब वो दूसरे को नीचा दी दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों के पाओ तले जमीन निकाल देते हैं तब उन्हें लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और बहुत सिग्निफिकेंट है यस बट दिस इज साइन ऑफ इमेचोरिटी हाँ कई बार इनको लगता है कि ये बहुत मजे की बात है इट्स फन किसी का मजाक उड़ाना ये करना और वो खुद को ही नहीं समझ पाते खुद की नीड्स और फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते हैं तो वो दूसरों को क्या समझेंगे यस yes. और वो खुद का रोल नहीं समझ पाते हैं मैं माता हूँ मैं पिता हूँ मैं वाइफ हूँ मैं हस्बैंड हूँ मैं आ, सपोर्टर हूं मैं बहन हूं मैं भाई भाई हूँ मैं इन लॉ हूँ मुझे कैसे सपोर्टिव रहना है मेरे रोल की मतलब क्या मांग है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रोल में और मुझे कैसे बिहेव करना है ऐसा लोगों को नहीं आता है और हम भी हमें भी नहीं आता है कई बार वी आर ऑल्सो इमेच्योर हम भी हमारी इमेच्योरिटी से डील करते हैं बिहेव करते हैं राइट तो कई बार इनको पता ही नहीं होता है कि इनके रोल क्या है और उस लेवल तक वो रोल के लेवल तक की मेच्योरिटी डेवलप नहीं होती है और वो उस वे में बिहेव नहीं कर पाते हैं और कई बार क्या पता उन्हें उन, उनके साथ में भी लोगों ने ऐसे ही बर्ताव किया है तो उनको लगता है कि ऐसे ही बातचीत होती है ऐसे ही लोग होते हैं और कई लोग क्या है वो सिर्फ एक खुद के घेरे में रह जाते हैं बाहर का कुछ एक्सपोजर नहीं होता है उनको ना वो लेना चाहते हैं ना वो कुछ सीखना चाहते हैं तो वो वो ही बिहेवियर में अटक जाते हैं और ये हमारे साथ भी हो सकता है तो देखिए हमें उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी है ये हमारे समझने की भी बात है कि हम कैसे इमेच्योर रहे हैं दूसरों के साथ में हमने जैसे इमेच्योरिटी में किसी के साथ बिहेव किया यू नो किसी को डिस्करेज करना एक पाप है अपमान ही नहीं है एक बहुत बड़ा पाप है क्योंकि भगवान ने उनको एक पोटेंशियल दिया है भगवान ने उनको एक आगे बढ़ने की स्फूर्ति दी है एक अबिलिटी दी है और उसको हम हमारे शब्दों से अगर उसके जो ए, उसके जो उत्साह है उसको पंक्चर मार दे तो वो एक बहुत बड़ा पाप है और तो ये हमसे भी हुआ है तो हमें भी सीखना है कि ऐसे नहीं करना है ठीक है और कई बार ये जो इनमेच्योर लोग होते हैं वो खुद ही बहुत दर्द में होते हैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या नाखुश होते हैं या उन्हें खुद को अपने गोल्स अचीव नहीं हुए होते हैं या वो कुछ नहीं वो खुद के पेन से डील कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो उनके अंदर का सब बाहर ही निकलता है वो अंदर से अपने आप से इतने फ्रस्ट्रेटेड है जैसे अपने आप के साथ बातचीत होती है उनके अंदर का जो डायलॉग है वो वैसे ही आपके साथ बात करते हैं और दूसरा कई बार वो सेल्फिश होते हैं दे डोंट नो बेटर तो ये हो गया हमारे छोटे रावण का डिस्क्रिप्शन सो फार सो गुड क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं राइट right. और हमें इस शो पे जो भी आप कमेंट्स डाल रहे हैं अः ये ये जो सृष्टि सृष्टि जी हैं या आपने जो प्रश्न पूछा है वगैरह राइट right? अभी हमें इस माइंडसेट पे रहना है कि मुझे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देम कि वो कितने बुरे हैं और मेरे साथ कितना बुरा हुआ और मैं कितनी घायल हूँ मुझे ये फोकस करना है कि ठीक है मैं अपने आप को कैसे संभाल के इस चीज से उभर सकती हूँ yes? यस उनको हम नहीं सुधारने वाले हैं क्यों एनर्जी वेस्ट करे भाई अपने आप पे एनर्जी डालो अपनी ग्रोथ पे फोकस करो तो आई मैं अभी कह दूंगी टेक टीम से कि मुझे सिर्फ वैसे वाले क्वेश्चंस में लेने वाली हूँ जो लोग अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं नहीं तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट लगता है ना तो जो लोग अपने आप पे काम करना चाहते हैं अपने आप के ऊपर दे वॉन्ट टू वर्क ऑन नॉट जस्ट फोकस ऑन उसने मेरे साथ ऐसा किया इसने मेरे साथ ऐसा किया हाँ वो होता है उसकी टेक्निक्स में सिखाऊंगी आपको शो में कि कैसे डील करना जो आपकी फीलिंग्स होती है लेकिन फोकस इज योर ओन ग्रोथ में विक्ट माइंड को मैं हेल्प नहीं कर सकती और मुझे थोड़ा बोर भी हो जाता है तो uh, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट बड़ा 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 रावण रावण ये ये जो बड़ा रावन है राइट right? रावण जो है वो है टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग हर एक जो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है वो टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक नहीं होता है फर्क समझना पड़ता है आपको टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो ठीक नहीं हो जाते हैं और अफसर मासूम जी आपने जो लिखा है कामयाब हो जाओ कोई हर्ट नहीं करेगा आ, मेरा आपसे थोड़ा थोड़ा आई डोंट अग्री विथ यू बिकॉज बहुत कामयाब लोगों को हम लोग कोच करते हैं और ये जो मैंने शुरुआत की है शो की जो हाई अचीवर्स होते हैं वो बहुत अच्छा अचीव करते हैं लेकिन लोग उनको नीचा उतारने में लगे रहते हैं उनके साथ और बड़े लेवल पे चीजें होती है सो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड अब हम बड़े रावण के बारे में फिर से बात कर रहे हैं और ये सिर्फ इंडियन वुमेन के साथ नहीं होता है ये इंडियन मेन के साथ भी होता है हर कैटेगरी के लोगों के साथ में होता है पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं स्त्री भी प्रताड़ित होती है पुरुष स्त्री को प्रताड़ित करती है स्त्री पुरुष को प्रताड़ित करते हैं है, है, सब कुछ होता है तो ये ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का ही एक झंडा है कि अरे मेरे साथ ये बुरा हुआ मेरे साथ वो बुरा स्त्रियां भी बहुत करती हैं तो सब सबको करते हैं लेकिन अभी हमें सीखना है हाउ टू yes? तो ये जो बड़ा रावण है ये जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये जान के करते हैं आपके साथ पूरी सूझ बूझ के साथ आपके साथ ये करते हैं क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं आपके डिस्ट्रक्शन में उनका फायदा होता है यस yes, उनका फायदा होता है तो वो जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली आपको बदतमीजी करते हैं आपका कॉन्फिडेंस गिराते हैं और वो सही कई सारी बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन वो आपको जानबूझ के करते हैं। कोई इम्मेच्योरिटी के कारण नहीं करते नॉट बिकॉज दे नो बेटर बिकॉज जो इमेच्योर है अगर वो थोड़ा ओपन माइंडेड है वो नई चीज सीख सकता है इम्प्रूव हो सकता है लेकिन ये जो बड़ा रावण है इसे ये नहीं ठीक होते है। तो हम आज क्या करेंगे बड़े रावण के साथ कैसे डील करना है वो सीखेंगे ताकि छोटा रावण तो फिर अपने आप ही यू नो वी कैन डील विद इट राइट तो ये क्रिटिसाइज करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो और वो ऐसा क्यों करते हैं तो थोड़ा देखा जाए ये क्यों ट्रबल करते हैं ये आपके वर्क प्लेस में बॉस भी हो सकते हैं लेकिन हमारा फोकस परिवार है तो हस्बैंड वाइफ को वाइफ हस्बैंड को दोनों में होता है वी हैव लॉट ऑफ मेन मेन लीडर्स वाइस प्रेसिडेंट्स डायरेक्टर्स बहुत हाई पोजीशन पे एंड वुमेन दे कम टू अस और वो घर में उनके बहुत तकलीफ चल रही होती है एंड दे हैव टू डील इट और वो बाहर कहीं ब्रेक नहीं लग सकते बाहर भी उनके ऊपर बहुत हाई स्टेक्स एनवायरमेंट रहता है और उनको खूब अच्छे से अपना पॉइस मेंटेन करके अपने काम को और जो भी है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाहर दे हैव टू मेंटेन इट तो घर में सबके साथ ये होता है और वाई डू दे ट्रबल यू ये बड़ा रावण जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग हैं ये ऐसा क्यों करते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस इसलिए ब्रेक करना चाहते हैं एक तो वो आपके साथ हैंगआउट इसलिए करते हैं बिकॉज़ यू आर सुपर टैलेंटेड क्योंकि उनको आपका फायदा उठाना है लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि जब आप टूट जाएंगे तब वो आपको कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अपने आप में फाउंडेशन आपका वीक हो जाएगा आप अपने आप के ऊपर आप का भरोसा उठ जाएगा तो आप जो आसपास है उसके ऊपर भरोसा करोगे तो आप उनपे भरोसा करने लगोगे वो आपको अच्छे से अपने फायदे के लिए कंट्रोल करेंगे तो ये बहुत बड़ी साजिश करते हैं ये लोग ये इनमे नहीं है ये जान बुझ के ऐसे इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है ये और इन्होंने इस इस पर्टिकुलर बिहेवियर में पीएचडी हासिल कर ली है ये बड़े स्मूथली ये चीजें करते हैं ठीक है सो दैट यू कंटिन्यू रिमेनिंग अ सप्लाई फॉर देम यस आपको उन्होंने बोल दिया अरे आप ये बराबर नहीं लग रहे आप ये नहीं लग रहे आप वो नहीं लग रहे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया तो सारे टाइम आप उनके ऊपर पूछ पूछ के काम करोगे तो उनके ईगो को बड़ा अच्छा लगता है मेरे पे कोई डिपेंडेंट है दूसरा आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ हुआ रहेगा आप अपने टैलेंट को अपनी आइडेंटिटी के जो इंडिविजुअलाइजेशन है उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आप सारे टाइम इनके सेवक बन के रहेंगे यस सेवक बनना बुरी बात नहीं है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को खो के किसी की सेवा करना इज नॉट द बेस्ट थिंग सेवा करना चाहिए अटैच नहीं करना है हमको हमको हमारे घर में जो भी है बड़े हैं हमारा जो रोल है चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो या बड़े का हो या छोटे का हो उससे हम नहीं भागने वाले हैं मैं कोई यहाँ पे नो no कॉन्टैक्ट नहीं सिखाती हूँ वेस्टर्न कोच के जैसे यस बिकॉज दैट इज नॉट आवर संस्कृति हमें हमारे रोल को पूरा करना है ड्यूटीज को पूरा करना है क्योंकि जो हमारी ड्यूटीज है वो हमारे और भगवान के बीच में है इस, इ, इसके ये, इससे इनका कनेक्शन कुछ नहीं है कि अरे ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है तो मैं मेरा धर्म का पालन क्यों नहीं क्यों करूँ आप धर्म का पालन नहीं करेंगे आप भी भोगेंगे हम धर्म का पालन इसलिए करते क्योंकि मैं धार्मिक हूँ वो मेरा स्वभाव यस तो आप उनके लिए एक सप्लाई बने रहते हो और वो आपके टैलेंट को खुद के लिए यूज करते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका है आप खुद के लिए तो कुछ करेंगे नहीं आप हमेशा इनको आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे दूसरा ये बहुत जेलेस होते हैं बहुत गुस्सेल होते हैं तो आप हमेशा एडजस्ट करने के लिए ताकि रिलेशनशिप सही रहे आप हमेशा बैकग्राउंड में रहने की कोशिश करते हो आप आगे नहीं बढ़ते हो तो उनका ईगो सेटिसफाइड रहता है वो नहीं चाहते कि आप उनको आउटशाइन करो और आप केवल उनके लिए एक चीज हो एक वस्तु हो आपकी फीलिंग्स आपके इमोशंस आपकी नीड्स उस पर कोई ध्यान नहीं उनका वो उसकी उनकी प्रोसेसिंग नहीं करते हैं दीज पीपल डोंट हैव एनी एम्पथी दे डोंट हैव एनी रिमोर्स इनको आत्मीयता नहीं है और इनको कोई ये रिमोर्स फील नहीं होता है कि हाँ मेरे से कुछ गलती हुई मुझे सुधरना चाहिए अपने आप को सुधारना चाहिए और वो बदलाव उन्हें कुछ गिल्टी गिल्टी फील नहीं होता है आपके साथ जो किया बिकॉज आप सिर्फ एक चीज हो आप उनके जब तक काम पे काम में हो तब तक आप यूजफुल हो जैसे ही आप यूजफुल नहीं हो वो आपको फेंक देंगे एक टर्म है इडियट क्यों क्योंकि आप बेवकूफ बन रहे हो और यूजफुल क्यों क्योंकि वो आपको यूज कर रहे तो यू बिकम अ यूजफुल इडियट फॉर देम और आपकी फीलिंग्स की इनको कोई अहमियत नहीं है और वो भी अपने आप को महान समझते हैं राइट right? उनमें इतनी अक्कल नहीं है कि अगर वो आपके भी टैलेंट को और आपको भी एज अ ह्यूमन बीइंग पनपने देंगे तो आप दोनों का फायदा होगा पूरे परिवार आगे बढ़ेगा वो वैसा नहीं करते तो वो इसलिए आपको ट्रबल करते हैं और वो बहुत सारी चीजें करते हैं आपके साथ में बहुत सारी चीजें करते हैं कई सारी टाइप की चीजें करते हैं कि गैस आपको यूज एंड थ्रू गैस क्या है हम उसके डिटेल में जाएंगे आज यूज एंड थ्रो टिश्यू पेपर है आप उनके लिए अरे भैया ये 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 जो मेरे हाथ में टॉवल है ये मतलब एक टर्किश टॉवल है छोटा सा इसको हम यूज एंड थ्रो नहीं करते राइट इसको यूज करते धोते इसका ध्यान रखते इसको अच्छे से रखते हैं इसकी सेवा करते हैं वो आपको टिश्यू पेपर जैसे यूज करते हैं यूज एंड थ्रो पोंछ के फेंक देंगे यस yes? बिकॉज़ आप एक इंसान नहीं हो उनके लिए आप एक uh, यू नो जस्ट जस्ट अ वस्तु गिव मी वन मिनट मेरी बैटरी थोड़ी लो हो रही है और मैं ये चार्जर लगाना भूल गई थी तो मैं अभी चार्जर थोड़ा सेट कर रही हूँ यहाँ पे मेरे फोन ये लैपटॉप um, का चार्जर मी वन मिनट ये दस सेकेंड में काम हो जाने वाला okay. आ गया मेरे बैटरी में पावर नाउ वी कैन डू इट यस तो ये आपको यूज एंड थ्रो करते हैं लव बॉम्बिंग करते हैं जब आपको ये ट्रैप करना चाहते हैं उनको अपना आपका फायदा उठाना है तब खूब प्रेम से प्रस्तुत आते हैं करते हैं अपने आप को खूब आपको गिफ्ट देते हैं सब कुछ देते हैं लेकिन वो गिफ्ट देने में भी वो ये नहीं देखते कि आप खुश हो रहे हो दे देखिए गिफ्ट दिया आई एम सच ए ग्रेट पर्सन और वो आपको ट्रैप करते जाते हैं और वो ऐसे लव बॉम्बिंग करते हैं फिर सही टाइम पे आपको दा, आपको ना अफेक्शन विड्रॉ कर देते हैं सडनली यू नो बड़े रूड से हो जाते हैं कैसे ही बिहेव करने लगते हैं तो आप क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग नहीं है यू डोंट हैव इनफ सेल्फ लव आपकी सेल्फ वर्थ इतनी स्ट्रांग नहीं है आप अपने आप में पार्टनर नहीं हो आपको बता रहे मुझसे क्या गलती हो गई मैंने क्या कर दिया कि अब ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं फिर आप अपने आप को एडजस्ट करने में बिजी हो जाते हैं आपका सारा ध्यान उसमें चला जाता है कि अच्छा नहीं मैं ऐसा करूं ऐसा करूं क्या करूं और आप अपनी ही खुद की परछाई बनते जाते हैं आपकी पर्सनालिटी ब्रेक होती जाती है वो तो आपको कंफ्यूज रखते हैं एक दिन आपको कुछ बोलते हैं दूसरे दिन वही बात को अलग वे में बोलते हैं रिपीट करते हैं कुछ चेंज कर देते हैं तो और आप बोलते नहीं कल तो आपने ऐसे बोला था फिर वो बोलेंगे नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था राइट वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं आप यू you नो know, और उसके बारे में, में बात करेंगे फ्यूचर फेकिंग आज आप कुछ प्रेम की अपेक्षा है उन आपको उनसे आप चाहते हो वो अच्छे से बिहेव करेंगे अच्छे से बातचीत करेंगे आपके साथ में तो बोलेंगे हाँ मैं आगे से जरूर ऐसा करूंगा या करूंगी वो उस टाइम पे प्रॉमिस करते रहते हैं फ्यूचर का तो वो गधे के जामने जैसे गाजर लटका के रखी और गधा चलते जा रहा है कि मुझे गाजर मिल जाएगी वो वैसा ही होता है आपके साथ में और आपके सब अचीवमेंट्स को डिमीन करते हैं आपकी वीकनेसेस को टारगेट करते हैं आपके खुशी के दिनों में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं तो ये इनका पर्सनैलिटी टाइप है लेकिन आज का जो हमारा फोकस है कि जो ताने जो बदतमीजी जो गुस्सा और जो खराब नेगेटिव बिहेवियर जो होता है आपके साथ में तो उसमें हम चार चीजों पर फोकस करेंगे विच इज गैसलाइटिंग

तो ये अभी हम देखते हैं कि ये मैं आ, कुछ एक दो पहले के शो से कुछ कुछ स्लाइड्स ली हुई है मैंने यहाँ पर तो ये जो गैस लाइटिंग और इनवैलिडेटिंग है आपको करते हैं वो क्यों करते हैं राइट right? अभी हम इसमें से चार चीजें पिक कर रहे हैं उनके बिहेवियर में जो आज के हमारे शो से कनेक्टेड है बहुत सारे उनके बिहेवियर से अलग अलग शो में हम कवर करेंगे लेकिन जो आज 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 जो हम डिस्कस करेंगे वो चार चीजें हैं और फिर नीलू जी उसमें क्या था कि एक पत्नी थी और उसका जो बहुत लंबी स्टोरी है पूरी स्टोरी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय का अभी देखना है मुझे 25 मिनट हो चुके हैं फिर वो टेक टीम मुझे मैसेज करने लग जाएगी कि क्वेश्चंस लेने राइट और अभी तो बहुत कुछ बाकी है चर्चा करना तो वो मूवी में ऐसा था कि उस समय जो बिजली जो बल्ब चलते थे वो गैस से चलते थे ठीक है और वो जो पति था वो पत्नी को मैनिपुलेट करता था तो वो पत्नी जब घर पे अकेली होती थी उसे लगता था कि जो ऊपर का जो एटिक है रूफ और घर के बीच में जो जगह है वहां से बहुत आवाजें आ रही हैं और जो घर की जो लाइटें हैं वो फिर ना फ्लिकर होने लगती थी घर की लाइटें ऐसे बराबर से नहीं चलती थी तो वो बार बार अपने पति को बोलती थी नहीं ऊपर कोई आता है तुम नहीं रहते हो तो ऊपर कोई आता है तुम नहीं रहते हो और वो बोलता था नहीं कोई नहीं आता है तुम्हें ऐसा ही लग रहा है वो वो उसका पति ही आता था और वो ऊपर जाता था और वो कुछ खजाना ढूंढ रहा था उसने ये लेडी के साथ में लव बॉम्बिंग करके और ये सब करके उसको ट्रैप किया था क्योंकि उसको पता था उसकी दादी का खजाना ऊपर रूफ में पड़ा हुआ था यस तो उसने ऐसे ट्रैप कर रखा था और ये लेडी ना बोलती थी कि अच्छा ऐसे नहीं होता है अच्छा ऐसा है अच्छा रियली लाइट फ्लिकर नहीं हो रही है शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है ये वो राइट तो वो उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है उस लेडी का उसको पूरी तरह इनवैलिडेट करके और ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए ऐसे करके वो लेडी ने अपना पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था कई चीजों में राइट लेकिन यहाँ ये गैस लाइट शब्द कहाँ से आया वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ठीक है फिर ये लेडी पूरी कंफ्यूज हो जाती है फिर वो हस्बैंड के कुछ और कारनामे होते हैं तो कोई एक पुलिस ऑफिसर होता है वो जो इस लेडी की दादी का मर्डर हुआ होता है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो वो आता है घर पे और वो उसको समझ में आता है कि इसका जो हस्बैंड है वो ही इसकी दादी का मर्डर किया है और वो ही ऊपर जाता है और ये चीजें करता है तो जब वो पुलिस वाला ऊपर जाता है एक बार तो उसे समझ में आता है कि जब ऊपर की लाइटें ऑन होती है घर में क्योंकि वो गैस से चलती हैं तो नीचे की जो लाइटें हैं वो डिम होने लगती हैं और थोड़ी सी चमकने लगती है यू नो ब्लिंक होने लगती है तो ऐसा होता है तो इसलिए गैस लाइट दैट इज द वर्ड कम्स फ्रॉम और वो बेसिकली वो जो उसका एक्सपीरियंस है जो वो बोल रही है वो उसको झुटलाते रहता है राइट तो ये झूठ बोलते हैं आपसे आपको इनवैलिडेट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है होता है कि नहीं किस किस को लगता है कि उनके साथ गैस लाइटिंग हो रही है किस किस को लगता है कि जब वो कुछ कहते हैं तो उनका जो जिनके साथ में भी रिश्ता खराब चल रहा है घर पे पार्टनर के साथ में है या कोई परिवार वाले हैं वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था आपको गलत याद है तुमको गलत याद है नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था नहीं तुम झूठ बोल रहे हो मैंने तो ऐसी बात ही नहीं हुई थी मैंने कब कहा ये चीज हाँ लेकिन मैंने तो ऐसा बिहेव ही नहीं किया नहीं ये तो मैंने लाके दिया ही नहीं था तुमको पेपर मैंने तुमको ही लाके दिया था आपको ही लाके दिया था अब तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास में वो पेपर नहीं मैंने ही दिया था आपको ऐसी बातें होती है कि नहीं होती है किस किस के साथ होती है यस लिखिए मुझे कॉमेंट्स में मैं देख रही हूँ यस तो जब आपके साथ ऐसा होता है आप क्या करेंगे आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं खोना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना दुनिया बड़ी कठोर है अपने आप को संभाल के रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है ये हमारे घर दिमाग में गलत बात बैठी हुई है कि दूसरे लोग हमें संभालेंगे हमारे अपने आप को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हमारी है देखो कितने लोग कह रहे हैं यस यस गैसलाइटिंग हो रही है उनके साथ में यस तो पहले हमें खुद में कॉन्फिडेंस रखना है अपने वर्जन को ट्रू समझना है हमारे हम सिंसियर होते हैं अग्रीएबल होते हैं तो हम उनकी बात मान जाते हैं लेकिन थोड़ा खुद में भी तो कॉन्फिडेंस रखना है नहीं तो आपकी क्या वैल्यू है खुद के एक्सपीरियंस को भी देखना दूसरे लोगों से भी तो हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस यस सो आपको अपने वर्जन से कनेक्टेड रहना है अपनी रियलिटी से कनेक्टेड रहना है अपने एक्सपीरियंस को भी ट्रस्ट करना सीखना है हम गैसलाइट क्यों हो जाते हैं जब दूसरा हम हम दूसरे से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं और अपने आप में हमें ट्रस्ट नहीं होता है हम चाहते हैं कि दूसरा हमें बोले तब हमें अपनी बात खुद की सही लगे लेकिन अब तो हम बड़े हो गए ना मेच्योर हो गए ना अडल्ट हो गए ना हम बच्चे थोड़ी है कि जो हमारे माँ बाप बोलेंगे हमें फिर वो क्योंकि हमारे लाइफ में अनुभव नहीं है हम बहुत छोटे तो हम अपनी दुनिया को उनकी नजरों से देखते हैं अब तो हम बड़े हो गए ना तो जिम्मेदारी किसकी है गैस लाइटर को आप कितना ही बुरा बोल दो जिम्मेदारी तो अपनी है ना अपने आप को संभाल के रखने की तो ये करना जरूरी है ठीक है और और भी बहुत सारे हम पॉइंट शेयर करने वाले हैं अबाउट वॉइस इज गॉन अब और भी हम बहुत सारे पॉइंट्स शेयर करने वाले हैं टिक टीम जी प्लीज गिव मी फीडबैक इफ यू कैन हियर मी यहाँ पे कोई कह रहे हैं वॉइस इज गॉन सो नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट पॉइंट इज वो आपकी वीकनेस को टारगेट करते हैं यस yes, वो आपकी वीकनेट को वीकनेस को टारगेट करते हैं और और वो वीकनेस को टारगेट क्यों करते हैं क्योंकि आप इजी टारगेट हो उनके लिए और ओके वॉइस इज ओके जिसको नहीं सुनाई दे रहा है आपके फोन में प्रॉब्लम है ऐसे मुझे मत घबराट दीजिए यार तुम ऐसे फीडबैक देते हो फिर मुझे ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे uh, अपने फोन को चेक कीजिए तो जो टारगेट या वीकनेस है कोई चीज में अगर आप वीक हो और अगर आप खुद उस चीज से एम्बेस्ड हो खुद आपको बहुत शर्म है आपने खुद ने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं किया है आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो वो वीकनेस से तो वो सबको दिखाई देता है

हमें अपने आप पे फोकस करना है उनको तो सुधार नहीं सकते ना तो हमें क्यों ट्रिगर हो रहा है क्या हमने अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट किया है उस गलती के साथ में क्या हम अपने आप को नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने उस टाइम पे ऐसा हुआ मुझसे लेकिन तब मेरे को उतना ही आता था लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगी आई एम मोर मेच्योर एंड आई एम डूइंग बेटर दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टिंग योर सर बट अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया है आप बार फिर सोचते रहोगे अरे मुझसे गलती हो गई फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर लो मत बोलो ऐसे नहीं नहीं प्लीज लव मी इवन इफ आई मेड अ मिस्टेक फर्स्ट आपको खुद से प्रेम करना सीखना है और आपके वीकनेसेस को लेके मैन्युपुलेट करते हैं और कभी आपने अपनी कोई बात उनके साथ शेयर कर ली वीकनेस वाली राइट तो वो आपको उससे मैन्युपुलेट करते हैं और वो आपके लिए एक ट्रिगर होता है आप उसे हुक हो जाते हो और आप फिर अम आप अपने आप का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर लेते हो लूज कर लेते हो और, और टॉक्सिक होते रहता है रोज रोज आपको उसके बारे में कहा जाता है और फिर आप रोज रोज झगड़ते हो अरे रोज क्यों बोलते हो यही बात रोज क्यों करते हो घर में ये है वो क्योंकि आप ट्रिगर होते हो तो वो बोलते हैं आप ट्रिगर होना बंद करेंगे तो वो नहीं बोलेंगे आपको क्योंकि उनको मालूम है ये वाला पैतरा उनका नहीं चलने वाला आपके साथ में करेक्ट सो so, ये सीखना है हमको तो आपको क्या करना है अपने सेंस ऑफ वर्थ पे काम करना है यस yes? आपको अपने आपको एक्सेप्ट करना सीखना है सेल्फ लव करना सीखना है कि ठीक है मेरे में ये त्रुटियां हैं ये मिस्टेक्स मुझसे हुई है मैं परफेक्ट नहीं हूं और मैं आगे अपने आप पे काम करती रहूंगी और मैं अपने आप से फिर भी प्रेम करती हूँ और मैं हमेशा ग्रोथ फोकस्ड हूँ तो यस जो मेरी में गलती है it, अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है वो गलतियों से ना तो दूसरा जब बोलता है ना तब आपको ज्यादा बात लगती है लेकिन जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना तो दूसरा कुछ बोलता है आपको वो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती है फाइनली फोकस इज ऑन आर सेल्व आई नो नमिता पुरोहित बहुत बेकार है यार स्कोप ही नहीं दे रही है ये दूसरे की बुराई कर लो। हाँ, दूसरे की की बुराई भी वो ऑलरेडी गलत है तो उनके बारे में बात करके मतलब क्या है हमें कैसे डील करना है हम वो सीख रहे हैं हमें कैसे सशक्त होना है सक्षम होना है सुरक्षित रहना है हम उसके बारे में डील कर रहे हैं और नॉट जस्ट सक्षम सुरक्षित हमें हमें आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में चर्चा करनी तो उसके लिए हमें ही अपना कवच बनाना है और ये कवच क्या है हमें वो चर्चा करनी है राइट ये कई बार आपके जो खुशी वाले दिन है जो आपके हैप्पी डेज होते हैं ये इनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं यस yes? क्या ये आपके साथ ऐसे हुआ है ये टारगेट या वीकनेस होता है आपके साथ में वो मेरे को उसके बारे में बताइए बता कि आपकी वीकनेस को टारगेट किया जाता है कि नहीं किया जाता है लेट मी नो कि अगर आप मेरे साथ में सहमत है कि नहीं और जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया उसके साथ भी सहमत है कि नहीं और डिटेल में सोल्यूशन अभी आने वाला है पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों अभी तो हम सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं यस yes. आपके जब खुशी के दिन होते हैं आपका जन्मदिन है आपकी एनिवर्सरी है कोई त्योहार है घर में जिसमें आप बहुत आनंदित हो आपसे रिलेटेड कोई खुशी का दिन है आपके बच्चों ने कुछ एक्सेल किया है या कुछ भी हुआ है आपसे रिलेटेड वो उसमें जरूर तकलीफ देंगे आपको ये इनका पैटर्न है इससे भी घर में एक नेगेटिविटी होती है टॉक्सिसिटी होती है बिकॉज हमारी सबकी एक आवश्यकता है कि हम फैमिली के साथ रहें एक दूसरे को हम सपोर्ट करें अप्रिशिएट करें प्रेम दे लेकिन जब वो नहीं मिलता है और खासकर जो खुशी के दिन होते हैं वो ही तो दिन होते हैं जब हम वी कैन रिसीव लव एंड गिव लव यस तो वो नहीं होता है अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं राइट आपका जन्मदिन है लेकिन उसी दिन वो कुछ मूड खराब करके बैठ जाएंगे या उन्हें अपना इंपोर्टेंस कैसे ले लू मैं यस या वो बोलेंगे अरे मेरे सिर में दुख रहा है मेरे पाओं में दुख रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है या आपने कुछ ऐसा कह दिया उसको एक बहुत बड़ा इशू बना के झगड़ा कर लेंगे ताकि आपका जो अच्छा दिन है वो खराब हो जाए ये पैटर्न होता है बताओ मुझे किस किस के साथ उनका अच्छा दिन खराब होता है यस प्लीज टेल मी लिखो खच्छा दिन खराब होता है you know, आपका हैप्पी डे डिस्ट्रॉय होता है लिखिए लिखिए इसको मुझे चैट में बताइए किस किस को ऐसा फील होता है या आप बहुत सुंदर लग रहे हो आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो या या आपने कहीं अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कुछ काम किया या आपके घर में कोई लोग आए तो आपने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा या आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया दिस इज फॉर मैन एंड वुमेन दोस्तों ये सिर्फ लेडीज प्रताड़ित नहीं है मैन भी प्रताड़ित होते हैं सब सब ये तकलीफ के थ्रू गुजरते हैं यस तो वो आपके बाल में कुछ कह देंगे या आपके मेकअप के ऊपर कुछ कमेंट कर देंगे या आपको कहेंगे कि कह अरे वो स्पीच इतनी अच्छी नहीं थी या आपने जो कपड़े पहने हैं उसको बुराई करने लग जाएंगे है ना या आपका कुछ प्रमोशन हो गया है तो उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे वो खुद के बारे में सोचते रहेंगे कि यार मैं तो पीछे रह गया या मैं पीछे रह गई इसका प्रमोशन हो गया है और वो सारा फोकस आपके ऊपर कभी नहीं जाने देंगे वो स्पॉटलाइट को है आपके ऊपर फैमिली में कभी भी होने नहीं देंगे तो आपके स्पेशल डेज कभी नहीं होने आ रहे हैं वो उस सिचुएशन में भी स्पॉटलाइट अपने yes? right? बैठ जाओगे कि मुझे प्रेम चाहिए। मैं इतना हाई अचीवर हूं बाहर लेकिन मुझे घर में ही प्रेम नहीं मिल रहा है ओ माई गॉड आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस मैं कैसे डील करू क्या करूँ ये वो राइट right? ऐसा होता है तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ सेलिब्रेटिंग योर हैप्पीनेस दे डोंट वांट टू बिकॉज वो स्पॉटलाइट कभी जाने नहीं देते हैं ऐसा हुआ है आपके साथ में यस yes, अच्छा दिन खराब होता है है ना अच्छा दिन कितने लोगों का खराब होता है यस yes, सब इवेंट खराब होते हैं होता है सबके साथ में यस yes. तो अभी हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स के बारे में भी आपका डिमीन होता है जैसे आप बाहर आपको आप कंपनी में आप प्रमोट हो गए आपका स्टॉक ऑप्शंस बढ़ गया या आपके बारे में न्यूज आर्टिकल आ गया बिकॉज ऑफ योर वेरी हाई अचीविंग वर्क जो आपने किया है या आपने कुछ बुक पब्लिश करी है या आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं इंडस्ट्री में यू नो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आपको अवार्ड किया है या आपको कुछ और ऐसा प्रमोशन मिला है या बोनस मिला है या यू you नो know, कहीं पे भी कुछ कॉमेंडेशन आया है या आपने कुछ एग्जाम को बहुत फ्लाइंग कलर्स में अचीव uh, किया है या आप अपने कॉलेज में एम में टॉप किए हो यस yes, जो भी है वो सब जो हो रहा है उन सब का भी मजाक उड़ाया जाता है बीलिटल किया जाता है राइट right? इसमें क्या बड़ी बात है राइट right? या वो उस बारे में घर में कभी चर्चा होने ही नहीं देंगे आप जैसे ही उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे वो टॉपिक चेंज कर देंगे या वो अपने आप को फिर उसमें इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि मेरा पाओ दुख रहा है ये दुख रहा है वो दुख रहा है घर में ये हो गया वगैरह वगैरह इतना असहनीय है उनको आपका जो अचीवमेंट्स है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो फोकस वापस अपने आप पे कर लेंगे राइट right? और अगर कोई और आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है सपोज आप कोई फैमिली फंक्शन में गए हैं दूसरे परिवार वालों को आपके अचीवमेंट के बारे में पता चला है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ये साथ में है आपके तो ये तुरंत टॉपिक चेंज कर देंगे ये बिल्कुल बात होने ही नहीं देंगे और आपके ऊपर कभी भी दे विल नॉट लेट यू फील अप्रिशिएटेड बाई अदर्स ऑल्सो और वो ये इंग्लिश में कहावत है दे विल डू एवरीथिंग टू पुट अ शेड ऑन यू अभी जैसे हम ये वीडियो पे आते हैं राइट right? यहाँ पे यह लाइटिंग बहुत जरूरी है राइट तो आप लोग होते रहे माँ बहुत ग्लो कर रहे ग्लो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लाइटिंग है तो लाइटिंग अच्छी है तो हम ग्लो करते हैं राइट अभी जैसे कोई फूल है अच्छी सनलाइट में कितना सुंदर लगता है लेकिन अगर वही फूल कोई छाव में है पेड़ की छाव में तो उसकी सुंदरता उतनी दिखती नहीं है तो ये आपके ऊपर हमेशा छाव डालने की कोशिश करते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू पुट अ शेड इन यू और अगर आप इससे भी डबल इंटेलिजेंट होते तो भी आप बेवकूफी होते राइट right? तो अगेन ये कैसे आपको डील करना है आप बाहर से अगर वेट करते रहोगे कि कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा तो आपकी तो हो गई फिर आपको वो सब चीजें ताने बदतमीजी कठोर शब्द गुस्सा नेगेटिविटी वो ही सब चीजों में आप बिजी रहोगे तो हमें अपने आप को थप सीखना है हमें आप भगवान की नजरों में हमारा काम अच्छा है नहीं है वो नजरों में देख के हमें आगे बढ़ते रहना है अपने आप को थपथपाते हुए अपने आप को आगे बढ़ते हुए एनकरेज करते हुए उनकी वेट करोगे तो आप करते ही रह गए कुछ नहीं होने वाला तो अभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जब ये चार चीजें हो रही हैं और कोई बहुत गंदे स्वर में आपसे बात कर रहा है और बहुत गलत वे में बात कर रहा है चाहे वो छोटा रावण हो या बहुत बड़ा रावण हो तो क्या करना चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए उनको या आपको उनके साथ लड़ना चाहिए या आपको भी उनके जैसे बन के उनके साथ बदला करना चाहिए और उनसे ऐसी बातें करनी चाहिए या yeah, आपको सारे टाइम अरे नहीं, नहीं मुझे इनका प्रेम कैसे मिल जाए इनको कैसे मैं खुश कर दू इनको ये कैसे कर दू वो कैसे कर दू कई लोग अपनी इंपॉर्टेंस कैसे रखते हैं बाई बी अपसेट ऑल द टाइम सारे टाइम अपसेट रहते हैं हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं। तो दे लुक वेरी इंपॉर्टेंट और फिर सारी दुनिया लगी हुई रहती है उनको खुश करने के लिए बट नहीं इट्स नॉट नीडेड ड्यूटी करना हमारी जरूरी है लेकिन वो कुछ अनलिमिटेड कुछ हो रहा है वहां पे इतना जरूरी नहीं है लेकिन घर में क्लेश भी नहीं करना और अपने आप को भी संयम में रख के आगे बढ़ते रहना है तो हमें क्या करना चाहिए बताइए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए निदसम आंसर्स इन चैट बताइए 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 चैट में बताइए कैसे क्या करना चाहिए यस सो यू हैव टू इग्नोर आंसर इज टू इग्नोर लेकिन इग्नोर ऐसे ही हो जाता है क्या तो आज हम सीख रहे हैं कि कोड वर्ड में थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई हम कैसे इग्नोर करें उनको कैसे अफेक्ट नहीं हो उसके लिए आज का जो हमारा एक्रोनिम है वो है फैन गैस वट इज इट फैन गैस फैन गैस ये हम सीखने वाले तो ये फैन गैस क्या है तो ये है एक्चुअली चार चीजें हैं फैन जी ए एस तो वो हम अभी सीखने वाले हैं लेकिन मुझे जानना है कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए नो no आंसर देना दूर रहना चाहिए लीव दैम माता जी डोंट रिएक्ट इतने दिन डोंट रिएक्ट करोगे उन्नति गोयल और वो अच्छी बात है तो वो कैसे करेंगे वो हम फैन गैस अभी सीखेंगे करेंगे। किसी ने कहा है राधे राधे जी करेंगे कोई कह रहा है हरे कृष्णा करेंगे वरुण अरोरा कह रहा है फोकस ऑन हार्ड वर्क एंड कीप मूविंग अहेड इग्नोर माइंड नोस बट लव बैक आई एम ट्राइंग राइट तो अभी ये सब है यस मैम कभी कभी मैं भी हाइपर हो जाती हूँ चुप करके रोते रहो नहीं यार ये तो बहुत ही नेगेटिव बहुत डिप्रेसिंग है पल्लवी जी नो नो आई नॉट हैव दैट स्टेट इन माई लाइफ मैं कभी भी बैठ के ऐसे चुप करके रोती नहीं रह सकती हूँ yes, तो अभी हमें क्या करना चाहिए लेट्स लेट्स लुक एट फैन गैस तो कईयों आपके सजेशंस बहुत अच्छे हैं और वो भी फैन गैस में इंक्लूडेड है लेकिन इसका भी एक सिस्टम होता है जी तो इसको सीखना बहुत जरूरी है तो फैन इज कनेक्ट विथ योर फीलिंग्स एंड नीड्स यस हमारे फैन का स्विच जो है मैंने एक शो किया था इग्नोर करना सीखो उसमें से मैंने ये स्लाइड लिया कि हमारे को जो इग्नोर करना है इग्नोर करना मुश्किल है जब आपके अंदर कौतूहल मचा हुआ है आप ऊपर नीचे हो रहे हो आप चाहते हो कि प्रेम मिले प्रेम नहीं मिल रहा है आप उत्तेजित हो रहे हो या आप हर्ट फील कर रहे हो वगैरह उस सिचुएशन में चुप रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है उसके लिए पहले अपने आप की फीलिंग्स को कैसे शांत रखना कैसे समझना और उनका ध्यान रखना अपनी आवश्यकताओं का कैसे फीलिंग्स और ध्यान रखना वो जरूरी है तो जब गर्मी लग रही होती है और अगर फैन का स्विच किसी दूर बैठ रखा हुआ है और आप एक सोफे पर बैठे हैं पंखे का स्विच किसी और के हाथ में दे रखा है आपने तो बार बार जब आपको गर्मी लग रही है आप उनको बोलेंगे भैया फैन ऑन कर दो ना और वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं करूँगा फिर आपको क्या होगा आप गर्मी में बैठे रहोगे हमने क्या है हमारी लाइफ के फैन का जो स्विच है वो किसी और को दे रखा है ये क्या फैंस है हमारी फीलिंग्स और हमारी नीड्स और हमारी खुद की अवेयरनेस तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी डोर हमने किसी और को दे रखी है तो वो अगर स्विच चलाएंगे तो हमें हवा आएगी तो हमारी फीलिंग्स और नीड्स बैलेंस में रहेंगी अगर वो उन्होंने स्विच नहीं चलाया तो हमारी फीलिंग्स और नीड्स अफेक्टेड रहेंगी तो ये जान के हमें ये देखना है कि हमारी जो फीलिंग्स है और हमारी जो नीड्स है उनका ध्यान उस चीज का जो फैन स्विच है वो मुझे खुद के पास रखना है क्लियर इतनी बात क्लियर हुई है इतनी बार क्लियर हो गई है क्या यस yes, इतनी बार क्लियर है अभी तक समझ में आ गया कि हमारी फीलिंग्स और नीड्स हम की डोर हमें किसी और के हाथ में नहीं देनी है आई एम एन अडल्ट बच्चे नहीं है हम हम अडल्ट हैं और हम सक्षम है कि हम हमारी फीलिंग्स और नीड्स का ध्यान रख सकते हैं तो थोड़ा मैं डेमो दूंगी कि ये फीलिंग्स और नीड्स का ध्यान कैसे रखना है ये मैंने लास्ट टाइम आप लोग को फ्लैश कार्ड्स का वर्णन किया था अभी मैं ये फ्लैश कार्ड्स ही यूज करके आपको उनके बारे में लेट्स डिस्कस यस अब अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लैश कार्ड्स आपको मिले ताकि आप हमेशा अपनी फीलिंग्स और नीड्स के टच में रहें और हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखें और अपने फैन स्विच को अपने आप के कंट्रोल में रखें तो ये फ्लैश काज आप आ, लिंक से ले सकते हैं शॉप डॉट नमिता प्रोहित डॉट कॉम और ये मैंने अभी बनाया है हमने और टीम ने मिलकर बहुत जतन से बिकॉज आप लोग बहुत सारा पूछते थे जब मैं फील ब्रीद और कंफर्ट सिखाती थी कि अरे फीलिंग्स की परिभाषा नहीं आती है नीड्स की लिस्ट कहाँ है तो ये है हमारे फ्लैश काज जो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं मेरे हाथ में भी है और ये अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये आप ख़रीद सकते हैं अगर आपने शॉप डॉट नमीका प्रोवेड डॉट कॉम लिंक क्लिक किया तो अभी हमारे पास में एक ही प्रोडक्ट है और तो हम स्टोर शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे थिंग्स विल बी एडेड एंड जो भी आप हमसे लेते हैं उसका डोनेशन हरे कृष्णा टी को भी जाता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी जाता है तो आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन चैरिटीज़ में भी जाता है तो ये देखना जरूरी है तो अभी ये फीलिंग्स जब आपके साथ वो कटाक्ष होता है तब आपको मन में क्या फील होता है मुझे थोड़े फीलिंग्स के शब्द बताइए वॉट डू यू फील अभी ये जो मेरे पास में फ्लैश कार्ड है उसमें एक लिस्ट है फीलिंग्स uh, वर्ड्स की बहुत सारी लिस्ट है कुछ पचास फीलिंग्स की लिस्ट है तो मैं तो इसको ही रेफर करने वाली हूँ बिकॉज इट्स ईजी यस तो जब मुझे कोई हर्ट करता है मेरी वीकनेसेस uh, को एक्सप्लोयर करता है मेरे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करता है मेरे अच्छे दिनों को खराब करता है मुझे गैसलाइट करता है मुझे क्या लगता है मुझे सैड uh, फील होता है अनहैप्पी फील होता है ग्लूमी फील होता है होपलेस फील होता है राइट मुझे कन्फ्यूज फील होता है जब कोई मुझे गैसलाइट करता है मुझे डर होता है यस यस मुझे ये सब चीज़ें होती है कमान टर्नी फीलिंग रोने का मन होता है यस तो ये बहुत जरूरी है तो ये मैं फीलिंग्स के लिस्ट है इट हेल्प्स बिकॉज बहुत सारे फीलिंग्स के वर्ड्स हैं तो ये मेरी फीलिंग्स है मेरी फीलिंग्स क्या है जो मैंने शेयर करी आपकी फीलिंग्स क्या आप चैट में शेयर कीजिए यस yes? अभी और ये फ्लैश में ये सब डिटेल्ड है नेक्स्ट इज नीड्स मुझे ऐसा लोनली क्यों फील हो रहा है मुझे सैड क्यों फील हो रहा है मुझे अपसेट क्यों फील हो रहा है मुझे गुस्सा क्यों फील हो रहा है ये सब मेरे फीलिंग्स के वर्ड्स हैं क्योंकि मेरी कोई नीड्स कोई आवश्यकताएं आवश्यकताई नहीं हो रही है तो ये हमारे पास में नीड्स की भी लिस्ट है यहाँ पे मेरे पास है मैंने स्क्रीन पे इसकी फोटो डाली है लेकिन अभी मेरी कौनसी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है राइट right? मेरी जो नीड्स ऑफ फैमिली मेरी नीड फॉर इंटिमेसी मेरी नीड फॉर अफेक्शन अप्रिसिएशन क्लोजनेस कंपेनियनशिप एम्पथी लव नर्चरिंग ये सब सेटिस्फाई नहीं हो रही है मेरी नीड्स फॉर शांति पीस इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड मेरी नीड्स फॉर मेरी ओन क्रिएटिविटी मेरी ओन ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्पस मेरा इनर पोटेंशियल ये सब सैटिस्फाई नहीं हो रहा है मेरी कितनी सारी नीड्स सेटिसफाई नहीं हो रही यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास में और ये मैं हमेशा खुद हमेशा रखती हूँ अब आप भी इसको हमेशा रख सकते हैं साथ में अः तो इससे क्या होता है मैं हमेशा अपने आप को बैलेंस में रख पाती हूँ और मुझे शरीर में ये चीज कहाँ फील हो रही है अवेयरनेस राइट right? ये इसमें स्टेप्स भी है ये कार्ड्स में स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री जो मैं हमेशा फील ब्रीथ एंड कंफर्ट बताती हूँ ये फीलिंग्स को नेम कीजिए और अब ब्रीद आउट कीजिए शरीर में कहाँ फील हो रहा है उस टेंसनेस को हटाइए बिकॉज यू हैव टू कम्फर्ट फिर और अपने आप को कम्फर्ट कीजिए राइट तो शरीर में कहाँ फील हो रहा है आपको यस yes? तो अभी ये जो हमने फीलिंग्स और नीड्स की एक्सरसाइज की है इससे हम क्या सीखते हैं यस yes? इससे हम क्या सीखते हैं जब हमने अपनी टाइम और एनर्जी अभी इस कार्ड्स में और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करी है ये अम, इससे हम क्या सीख रहे हैं हम ये सीख रहे हैं कि मुझे अकेलापन फील हो रहा है क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं मतलब मेरी फीलिंग क्या थी लोनलीनेस मेरी नीड क्या थी फैमिली के साथ एक टुगेदरनेस फील हो यस yes? uh, दूसरा ऐसा फील हो सकता है आई फेल बी ट्रेड बिकॉज आई वॉन्टेड अंडरस्टैंड मी एंड देम टू बी वॉन्टेडुल गैस लाइटिंग कर रहा है इनवेलिडेट कर रहा है राइट right? तो मुझे चीटेड फील हुआ मुझे लगा मेरे साथ विश्वासघात हुआ है और मुझे ऐसा क्यों फील हुआ क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग सच्चाई के साथ रहें मेरे साथ में मुझे समझे और सच्चाई के साथ में रहें यस yes? तो ये फीलिंग्स और नीड्स समझने से एक बहुत अच्छी चीज होती है जब आप अपनी फीलिंग्स को नेम करते हैं इसलिए हमने ये कार्ड्स बनाए हैं ताकि आप अपनी फीलिंग्स को नाम देना सीखे शॉप डॉट नमीता प्रोड डॉट कॉम इज द लिंक और ये डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है आप वहाँ जाकर इनको ले सकते हैं शिपिंग इज इंक्लूडेड टैक्सेस आर इंक्लूडेड तो जब आप ये फीलिंग्स और नीड्स को समझते हैं तब क्या होता है आपके साथ में जैसे आप अपनी फीलिंग को नाम देते हैं कि अच्छा मुझे लोनली फील हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं अपनी लोनलीनेस को दूर कर सकती हूँ मेरी नीड क्या थी? टू सेलिब्रेट विथ माई लव्ड वंस ठीक है यहाँ पे वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे लव्ड वंस हैं। मैं उनके साथ सेलिब्रेट कर सकती हूँ ताकि मुझे मेरी नीड जो है आवश्यकता है वो सैटिस्फाई हो और मुझे लोनली ना फील यस आई फेल बी ट्रेड बिकॉज आई वॉन्टेड अंडरस्टैंड मी एंड देम टू बी एंडेडफुल यस तो मेरी नीड क्या है मैं चाहती हूँ कि लोग ट्रूथफुल हो और मुझे समझे अच्छा ये लोग वैसे नहीं है जो मुझे समझते हो या ट्रूथफुल हो ठीक है मैं एक दूसरा सर्कल बना सकती हूँ जो लोग ट्रूथफुल है और जो मुझे समझ सकते हैं क्योंकि मेरी नीड ये है और जब मेरी ये नीड सेटिस्फाई होगी मैं बिट्रेड फील नहीं करूँगी अपनी फीलिंग्स और अपनी नीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए अपनी फीलिंग्स और नीड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी हमने ये कार्ड्स बनाए हैं पहले मैं हमेशा आप लोग को कहती थी ऑनलाइन सर्च कीजिए चार्ट होते हैं वगैरह लेकिन मैंने देखा जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ी डिफिकल्टी होती थी फिर वो ऑनलाइन बार बार जाते थे तो अभी ये रेडी है कि आप अपने पर्स में रख सकते हैं कभी भी रेफर कर सकते हैं वॉलेट में रख सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज बी इन इट सो राइट तो जब आपकी फीलिंग्स के आप अवेयरनेस है नीड्स की अवेयरनेस है फैन इज इन प्लेस फैन का स्विच आपके हाथ में है देन यू आर इन कंट्रोल आपने अपना फैन का स्विच किसी और को नहीं दिया है तब आप उनके साथ एक असर्टिवनेस के साथ डील कर सकते हैं नहीं तो आप इमोशनली डील करेंगे और फिर उसमें आप और वीक होते जाएंगे और वो और आपको पागल बनाएंगे लेकिन जब आप अपनी फीलिंग्स और नीड्स को समझते हैं अवेयरनेस आती है और जब आप उनको ध्यान देना सीखते हैं तब आप उनके साथ में असर्टिवनेस के साथ डील कर सकते हैं आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तब आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं आप बाउंड्री सेट ही क्या करेंगे जब तक आपको अपनी फीलिंग्स और नीड्स नहीं पता हाउ विल यू सेट योर बाउंड्रीज लोग कहते हैं बाउंड्री सेट करना सीखना है मुझे उनके साथ डील कैसे कर करना सीखना है वो तो सब सीख जाएंगे आप लेकिन पहले आपका क्या बाउंड्री सेट करनी है आपको समझ में आ रहा है कि आप किस वे में आपकी कौन सी नीड्स वायोलेट हो रही है वो नहीं समझेगा तो बाउंड्रीज कहाँ से सेट करेंगे राइट right? तब आप उनके साथ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि आ, मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया और आपको पता है कि मेरे पास एक दूसरा सर्कल भी एवर आई कैन सपोर्टेड आप उनको बड़े कामली ये चीज बोल सकते हैं बिकॉज देन इट्स नॉट सो यू बिकॉज आपकी नीड कहीं और सेटिस्फाई हो रही है तो ये समझना बहुत आवश्यक है तो अभी हमने पैन गैस का हमने ये तीन चीज हमने समझ लिया है यस वी हैव अंडरस्टूड फैन गैस का uh, ये जो uh, चीजें हैं वी हैव अंडरस्टूड फैन गैस में से हमने ये फैन समझ लिया वॉट इज द फर्स्ट स्टेप फैन राइट जैसे मैंने कहा आपसे तो ये फैन uh, गैस है तो ये आपने फैन समझ लिया है अभी हम जी समझेंगे और अभी फिर उसके बाद में हम uh, एक यू नो वी विल आल्सो अंडरस्टैंड Yes, right? so, पहले जी फिर ए फिर एस तो ये जी क्या है किसी ने अच्छे से चैट में कहा था uh, गोल्स पे फोकस रहना है राइट ट्राई योर है लाइफ में कोई एक्साइटमेंट वाला गोल नहीं है जो भगवान की सेवा में भी कनेक्टेड होता है तब आप यही चीजों में बिजी रहते हो इसने मुझे ऐसा बोला उसने मुझे वैसा बोला हाई मैं डिस्करेज हो गई हाई मुझे ऐसा लगा हाई मेरे दिल पे ऐसा हो गया हाई मेरी फीलिंग्स हट हो गई आपका दिमाग वही चीजों में चलता है बट जब स्पेशली जो लीडर्स होते हैं आप अपने आप को हमेशा अपने गोल्स पे फोकस कीजिए मुझे अभी नेक्स्ट लेवल क्या अचीव करना है मुझे और आगे कैसे बढ़ना है और खुद के लिए ही आगे नहीं बढ़ना है आपको अपने आ, दूसरों के लिए भी कैसे करना है राइट तो जैसे कोई अगर आप कोई स्त्री हो जो हस्बैंड के बिहेवियर से स्ट्रेस्ड आउट हो या आप हस्बैंड हो जो वाइफ के बिहेवियर सारे टाइम क्रिकेट चालू है उससे आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो आप क्या है जब आप दूसरी चीज में एक्साइटेड होते हो अपनी लाइफ में तब आप अपने आप को बहुत फोकस रखते हो उसमें तो आप ये सब चीजें इग्नोर कर पाते हो तो इम्पॉर्टेंट फॉर यू ये भी एक होता है तो घोड़े के जैसे हम साइड में ये लगा देते हैं ना आंखों के तो वो उससे ताकि वो उसे सामने देखता रहे और साइड की जो चीजें हैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो और डरे ना उसी वे में जब आपके गोल्स होते हैं तो आप उस घोड़े के जैसे बन जाते हो और हमेशा ये गोल्स वाले हेडफोन्स पहनते हुए रखना है हमेशा इन गोल्स को आगे कैसे करना है इनमें कैसे आगे बढ़ना है वो वाली वाणी सुनते रहना है अपने मन में नॉट डैट इसने मुझे क्या बोला उसने मुझे क्या बोला तो अगर आपके गोल्स नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे गोल्स होना बहुत जरूरी है राइट तो आपके पास में समय ही नहीं रहता है मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं है लोग मेरे को क्या क्या बोलते हैं क्या क्या मैसेजेस आप कई लोग लिखते हैं हमें हम फोकस ही नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर देम

आप भी सम्मिलित हो जाते हो तो आपको फिर उस कार्य करते करते भगवान के भी दर्शन होते हैं अपनी उस सेवा से राइट तो ये करना बहुत जरूरी है पांडवों के साथ में क्या क्या नहीं हुआ लेकिन वो अपने गोल पे फोकस थे जब उनका वो वनवास हुआ अज्ञातवास हुआ वो बैठ के रो नहीं रहे थे हमारे साथ में ये हो गया वो हो गया वो सब ट्रेनिंग कर रहे थे रिलेशनशिप्स बना रहे थे अलग अलग अस्त्र अपनी तपस्या से जमा कर रहे थे अलग अलग लोगों के साथ में संधि कर रहे थे वेस्ट नहीं किया अपने टाइम गोल पे फोकस थे वो हमेशा अपने सेवा के गोल पे यस तो आपके गोल्स क्या हैं कि मेरे घर पे मेरी वाइफ मेरे साथ अच्छा बिहेव करे या मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव करे वो आपके जीवन का सिर्फ एक अंश है अब हमारी जो आइडेंटिटी है हमारा जो व्यक्तित्व है वो इन चीज़ों से कहीं बड़ा है वो तो सिर्फ एक ही अंश है हमने उस बिकॉज इतनी हिंदी मूवीज देख लगी है हमने हमें लगता है कि वो रिलेशनशिप में ही सब कुछ है उसको परफेक्ट होना बहुत जरूरी है लेकिन मैं कह रही हूँ अपने गोल्स पे फोकस रह के और जो उनका धर्म है ड्यूटीज है फैमिली के प्रति वो करते करते आगे बढ़ते हैं yes, तो आपके गोल्स क्या है लाइफ में जिससे आप हमेशा बिजी रहो आपकी माइंड और बॉडी एंगेज रहे जो भगवान के साथ भी कनेक्टेड हो और आप अपने अपना जो जीवन है उसको कैसे आप यूज कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग आगे बढ़े वॉट इज योर गोल क्या वो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनपे फोकस कीजिए उनको आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए ये गोल होना बहुत जरूरी है यस yes? और हमारी इस गोल जो कनेक्ट उससे ही फिर हमें भगवान के दर्शन होते हैं आज मैं मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी तब ये मैंने और डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया था यस yes? तो ये समझना बहुत जरूरी है तो हमने फैन जी कर लिया है अभी हम ए पे आए हैं अडल्टे थोड़ा हमें भी बड़ा बड़ा होना पड़ेगा बच्चे के जैसे अभी बिहेव करेंगे तो क्या होने वाला है हमारा शरीर बढ़ गया है आयु बढ़ गई है बुढ़ापा आने लग गया है लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो अभी भी कभी कभी हम किंडर के बच्चों के जैसे लाइफ में एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन क्या है अब ये बहुत बुरी बात हो गई है कि हम बड़े हो गए हम बड़े हो गए हैं तो हमें बड़े के जैसे बिहेव करना भी जरूरी है ताकि हम इन चीजों को डील कर सकें बिकमिंग एन अडल्ट इज़ योर फीलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बात हम कर चुके हैं ये चीजें लाइफ में गिवन है एज एन अडल्ट हमें समझना चाहिए समझ आप अकेले ही नहीं हो जिसको अकेलापन फील हो रहा है या निराशा फील हो रही है या, या उत्साहित करने वाले कोई लोग नहीं है प्रोत्साहन देने वाले करने कोई लोग नहीं है ये सबके साथ होता है आप अकेले नहीं हो सबके साथ ये होता है यस yes? बिलीव मी मैं इस काम में हूँ मेरा बिजनेस है कोचिंग करना लीडर्स को कोच करना लाइफ कोचिंग करना ये करना वो करना ये सबके साथ होता है सबके साथ होता है राइट तो ये लेकिन कुछ जो इन चीजों से निकल पाते हैं उनमें ये मेच्योरिटी होती है कि यस ये पार्ट ऑफ लाइफ है यस उनको ये भी समझ में आता है कि जो लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट नहीं है वो खुद का फायदा ही देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो हमें हेट करते हैं एक्चुअली दे आर सो फोकस्ड ऑन देमसेल्व कि हम उनकी गिनती में ही नहीं आते तो किसी और की गिनती में आने के लिए क्यों रुक रहे हो यार अपनी गिनती में आओ अपने आप को खुद तो गिनो तभी दूसरा गिनेगा आपको और वो गिने या ना गिने जब आप अपने आप को गिनने लगोगे वैल्यू देने लगोगे आप कितना आगे बढ़ोगे और कितना खुश रहोगे तो ये भी एक अडल्टिंग है अनदर थिंग इज आप ट्रिगर होंगे ऐसा नहीं होने वाला कि ये शो देख के और ये सब होकर आप ट्रिगर होना बंद हो जाएंगे आप होने वाले हैं लेकिन आपका जो बाउंस बैक पीरियड है वो फास्टर रहेगा आप धीरे धीरे कम कम ट्रिगर होने लगेंगे और ये जो कार्ड्स है इससे आपकी जो अवेयरनेस ऑफ योर फीलिंग्स एंड नीड्स है वो इतनी बढ़ जाएगी दैट आप आगे जाके ऐसा समय आएगा कि आप ट्रिगर होना बंद कर देंगे लेकिन वो अवेयरनेस कल्टिवेट करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या लग रहा है और मुझे अभी अपना ध्यान कैसे रखना है मेरी कौन सी आवश्यकता नहीं पूरी और मुझे उसका कैसे पूरा करना है दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकता कैसी पूरी करनी दैट्स मेच्योरिटी और लोग बदलते हैं ठीक है जो लोग पहले आपके साथ अच्छे थे वो बाद में आपके साथ बुरे हो सकते हैं क्योंकि सब अपना जीवन जी रहे हैं ग्रहों का भी फेर होता है आ, ये आ, सब गुणों का भी फेर होता है तो ये अडल्ट होना बहुत जरूरी है ये नहीं होगा तो आप सारे टाइम लाइफ में इसमें ही बिजी रहेंगे मैं एक कोई हम किसी को जानती हूँ वो तो मुझे हर महीने एक बार फोन कर लेते हैं यार आजकल वो बात नहीं रही हमारी कम्युनिटी में सब लोग ऐसे हैं सब ये है सब वो है सब अपना ही फायदा देखते हैं कोई किसी को इंक्लूड नहीं करता है कोई ये नहीं करता है कोई वो नहीं करता है। ये बीस साल से कंप्लेन चल रही है सच एन अनहैपी रहो इसने ऐसा नहीं किया उसने वैसा नहीं किया इसने मेरे साथ गलत बिहेव किया हां किया है लोगों ने गलत बिहेव मैं नहीं कह रही वो लोगों ने अच्छा बिहेव किया आपके साथ लेकिन बीस साल तक यही सोच के अपने जीवन का नाश अपने शरीर का नाश करने में क्या मतलब ये मेच्योरिटी में आना जरूरी है कि जीवन ऐसा होता है लोग ऐसे होते हैं कैपेसिटी इतनी होती है लोगों की और हम कितना खड़े हो पा रहे हैं दूसरों के लिए हम कितना समझ पा रहे हैं दूसरों के लिए हम कितना अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं दूसरों के लिए वो भी तो देखे तो ये है अडल्टिंग होना और लास्ट है स्पिरिचुअल सेल्फ लव यस तो ये 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 जो स्पिरिचुअल सेल्फ लव है ये भी बहुत जरूरी है ये अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखना यस अगर हम भगवान को अपनी दृष्टि से देखें मतलब अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो चाहे हमारे साथ कोई कितना भी कटाक्ष कर रहा कितना हो कितना भी कठोर हो कितना भी टोंट मार रहा हो कितना भी गैस लाइटिंग कर रहा हो कितना भी ये कर चाहे हम कितने भी बेकार हो चाहे हम में कितनी भी कैपेसिटी नहीं हो काम करने की हमने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया हो भगवान हमसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि कोई वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन से करता हो या सबसे हाईएस्ट अचीवर से करता हो भगवान की दृष्टि में कोई दुभाव नहीं है कृष्णा लव्स यू अनकंडीशनली ये जानना बहुत जरूरी है तो जब हमको कहीं और से प्रेम नहीं मिलता है तो इस बात से कनेक्ट होने में ही एक बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है और बहुत अच्छी स्फूर्ति मिल जाती है राइट तो यू हैव अनलिमिटेड वैल्यू इन द आईज ऑफ गॉड ये जानना जरूरी है और ये जो आइडेंटिटी है आपकी जो ये शरीर रूपी आइडेंटिटी है कि मैं नमिता पुरोहित हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ लोगों को मेरे साथ ऐसी बात करनी चाहिए मेरे जीवन में ये होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए टॉक्सिक लोग नहीं होने चाहिए मेरे रिलेशनशिप खराब क्यों है सब टेम्पररी है सब टेम्पररी है कुछ भी परमानेंट नहीं है अगले पिछले जीवन में कौन से रिश्ते थे किसने हमसे कैसा बिहेव किया क्या बात हुई क्या नहीं हुई क्या अचीव हुआ कुछ याद है आपको तो मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम उसी आइडेंटिटी को रियल समझ के चलेंगे कि मैं ये हूं ये हूं इस शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं तो आप फिर हमेशा दुखी रहने वाले हैं लेकिन जब आप ये समझेंगे कि मैं एक शरीर नहीं हूं मैं ये आत्मा हूं मेरा जो ये जो आत्मा है उसका इस भौतिक जगत से कुछ कनेक्शन नहीं है जबरदस्ती कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि जबरदस्ती तेल और पानी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं मिक्स होने वाला है लेकिन हम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं होने वाला और ये संसार में दुखी है हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है हम शरीर नहीं है हम ये आत्मा है और हम भगवान का अंश है तो हमें उस आइडेंटिटी में रह के भगवान के साथ कनेक्टेड होके आगे बढ़ना है और हम कंप्लीट हैं चाहे कोई हमें प्रेम करे या नहीं करें अच्छे से बात करें या नहीं करें सपोर्ट करें या नहीं करें हम अचीव करें या नहीं करें हम पूर्ण हैं क्योंकि हम अध्यात्म हम हम स्पिरिचुअल है बाय नेचर एंड वी आर फुली लवेबल बाय गॉड बाय कृष्णा कृष्णा को समझना अपने आप को समझना अपना उनके साथ रिलेशनशिप समझना और उस रिलेशनशिप में रहना और एक्ट करना उससे एक बहुत आनंद फील होता है तो ये सब चीजें छोटी होती हैं और दूसरा क्या होता है कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें ये क्या होता है जब आपको रिलेशनशिप्स में सपोर्ट नहीं मिलता है ना इट इज़ अ वेरी ग्रेट रेसिपी टू ग्रो स्पिरिचुअली सहारा दुनिया में तो मिल नहीं रहा है कहाँ ढूंढोगे परमानेंट सहारा हम फिर भगवान की तरफ जाते तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चीज़ भी होती है तो अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए अवेयरनेस लाते हुए नीड्स का ध्यान रखते हुए गोल्स पे फोकस करते हुए ये ऐसे करते करते हमें आगे बढ़ना है अडल्टिंग करते हुए और स्पिरिचुअल सेल्फ लव करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हमें ये करते हुए आगे बढ़ना है और इन ताने और बदतमीजी और टॉक्सिक लोगों से नहीं भिड़ना है तो हमने बड़े रावण की बात की है टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की छोटे रावणों की भी बात की है लेकिन जब आप ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों से डील करना सीख जाते हैं तब आप आगे भी डील कर सकते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां पर भी आप ये शो देख रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं टेक टीम जी आप एक मिनट ये भी एक स्क्रीन बाकी है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर लिंक्स में आ, मेरे पुराने शोज जो हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल है उनके लिंक्स शेयर्ड है प्ले है पूरी शेयर्ड है हाउ टू कनेक्ट विथ मी मेरे आ, मैं, हमारा एक हील स्ट्रोंग प्रोग्राम है हील स्ट्रॉन्ग जो की ऐसे रिश्तों में प्रथाड़ित है उनको जो सिस्टमेटिक वे में कोर्सेज भी हैं कोचेज भी है कम्युनिटी है, है उसका लिंक है फ्री वर्कशीट का भी रिसोर्स है आप देख सकते हैं हील स्ट्रॉग की वर्कशीट है जो एक फ्री वर्कशीट है जो तीन अः थ्री स्टेप प्रोसेस है एक फ्री थ्री स्टेप प्रोसेस है वो वर्कशीट आप करेंगे आपको काफी क्लैरिटी आएगी रिवील डील एंड हील वो भी एक रिसोर्स है फिर ये शॉप डॉट नमिता प्रोवाइड डॉट कॉम का रिसोर्सेज है जहां पर ये फ्लैश कार्ड्स है तो आप इन सब का हेल्प ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और हम ये कुंती देवी की प्रेयर देखते हैं कि ये जो फैन गैस है ये पांडव खुद ही कर रहे थे और ये कुंती देवी की जो प्रेयर है फर्स्ट कैंटो एथ फर्स्ट कैंटो एथ चैप्टर ऑफ श्रीमद भागवतम में वो कहती है कि माई डियर कृष्णा आपने हमें ये जो पॉइजन केक्स जो दुर्योधन ने सेट किए थे भीम के लिए उनसे बचाया हम आपने जो लाक्षाग्रह में जो इतनी आग लगाई थी इन लोगों ने उनसे अभी आपने हमें बचाया और जो ये कई लोग हमें खाने आ गए थे उनसे बचाया है और फिर वो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था उसमें भी आप हमें बचाने आ गए थे और जो हमने वनवास में इतना कुछ डिफिकल्टीज थी उसमें भी हम हमारे में थे और फिर ये हम इतना जो महाभारत का युद्ध झेले और इतना कुछ किया उसमें भी आप हमारे साथ में थे तो वो कह रही है कि अभी भी आपने हमें अश्वत्थामा से भी बचा लिया है कहने का अर्थ ये है कि पांडव जो थे वो बहुत कुछ से उनको बहुत कुछ टॉक्सिक बिहेवियर नेगेटिविटी टॉलोरेट करना पड़ा ऐसा नहीं है कि लाइफ इजी बट वो फैन गैस फॉलो कर रहे थे वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर उनका संयम था अवेयरनेस थी अपनी नीड्स का ध्यान रखना वो जानते थे एक्सप्रेस करना जानते थे और अपने आप को संयम में रखना जानते थे जी से उनका गोल्स बहुत क्लियर था कि भगवान की सेवा में रहना है तो वो ये सब चीजों से अफेक्ट नहीं होते थे उसमें ही प्लेजर था उनका कि गोल्स में भगवान की सेवा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं महाभारत का युद्ध जीतना उनका गोल नहीं था ये भगवान की सेवा के लिए ये उचित है इसलिए हमने किया हमें ये राज्य मिल जाए उससे उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था बाद में तो वो चले ही गए स्वर्ग की तरफ और वो अडल्ट थे और प्लस स्पिरिचुअल सेल्फ लव था और भगवान के साथ भी कनेक्टेड थे तभी वो इन चीजों के साथ डील कर पाए आपके लिए भी यही रिकमेंडेशन है और आप आगे बढ़ते रहिए सो विश यू ऑल द बेस्ट और अब हम लेंगे आपके कुछ सारे क्वेश्चंस स थैंक यू वेरी मच टेक टीम जी आप ये स्क्रीन हटा सकते हैं स्लाइड्स की हेलो एवरी वन यस क्वेश्चन प्लीज कॉमेंट्स यस कुमोद जी मैम मैं नाइनटीन ईयर्स ओल्ड हूँ मैं एक एग्जाम की प्रेप कर रही हूँ बट एक बार फेल होने के बाद में मैं दोबारा ही तैयारी कर रही हूँ मगर मेरे घर पर मेरी मम्मी बहुत टॉक्सिक बिहेव करती है मुझे कर्स करती रहती है कि वॉट इज समन टेक्स एडवांटेज ऑफ योर डिपेंडेंस ऑन देम वेन दे फील दे आर कुकिंग फॉर योर वॉशिंग योर क्लोथ्स सो दे बिहेव एज दे वॉन्ट टू इज दिस करेक्ट बहुत मुश्किल सिचुएशन में है कुमुद जी मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा अनसपोर्टेड फील होता होगा एक तो आप ऑलरेडी ही वैसे ही डिस्करेज फील कर रहे हैं बिकॉज आपका एग्जाम पहले अच्छा नहीं गया और अभी आप पढ़ रहे हैं और आपको खुद को अभी डर लग रहा है फेल हुई पास हुई क्या होने वाला है फिर ये ताने सुनने पड़ेंगे मुझे और फिर घर में जिनसे आपको सपोर्ट की अपेक्षा है वो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं तो ये कैसे बहुत मुश्किल है आपके लिए लेकिन अभी मैं आपकी माता राइट है या रॉन्ग है मैं उसमें नहीं जा सकती हूँ क्योंकि आई डोंट नो द सिचुएशन आपको कुमुद जी आज जो मैंने सारी टिप्स शेयर करी हैं उनमें से आपको ये फैन गैस फॉलो करना है यस yes? क्योंकि राइट और रॉन्ग में आप बिजी होने लगेंगे उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका आपको मोटिवेटेड रहना है आपको एग्जाम पे फोकस रहना है तो आपको जो दुख फील हो रहा है वो फीलिंग्स के अवेयरनेस लाना अपनी नीड्स को समझना उनका अपनी फीलिंग्स को सहलाना फील ब्रीद एंड कंफर्ट करना अपने नीड्स का ध्यान रखना गोल पे आपका जो एग्जाम है उसको पास करना उस गोल पे फोकस रखना और अभी आप 19 है तो अब मुझे कहना पड़ेगा योर एन एडल्ट जो एडल्टिंग की टिप्स दिए उनको फॉलो करना और स्पिरिचुअली कनेक्टेड होके आगे बढ़ना दैट इज सपोज टू बी मेक दैट योर फोकस सो यस मेरी बहुत आत्मीयता है आपके साथ में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन दैट सिचुएशन लेकिन आगे हमें बढ़ना है तो उसके लिए फैनगैस करना जरूरी होगा यस yes, कुमुद जी और मुझे पता है आप कर सकते हैं आप बहुत अच्छे हैं बहुत स्ट्रांग है और आप कर सकते हैं और लाइफ लाइफ को हमें ना ऐसे नहीं सोचना है कि हाय मेरे साथ ऐसे बहुत बुरा हुआ जब हम ऐसे सोचते हैं ना बहुत डिस्करेज फील होते हैं यस yes, हमें ऐसे सोचना है कि अच्छा ये सिचुएशन हो रही है मुझे इसके साथ कैसे डील करना है ताकि मैं मेरे गोल पे फोकस्ट रहूँ हमें लाइफ में कंपार्टमेंट बना के रखने होते हैं और दिमाग में वो कंपार्टमेंट कौन से कंपार्टमेंट में फंक्शन करना है उसमें रहना होता है Yes. तो जिएमुजी और बाद में हमें बताइए आपका एग्जाम कैसे था हमारी सबकी प्रार्थना आपके साथ है सारा सपोर्ट सारा एनकरेजमेंट एंड सारी गुड विशेष आपके साथ अदर सपोर्टिव पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे ये वो राइट right? आपकी माँ अगर ऐसे बोलती है चाहे उनकी भी कुछ फीलिंग्स और नीड्स है राइट right? उनका फियर है कि आप फिर फेल हो गए तो उनकी नीड क्या है कि मेरी बेटी फेल नहीं होनी चाहिए तो उसका नाम खराब होता है मेरा नाम खराब होता है उसका टाइम वेस्ट होता है ये होता है वो होता है शी इज ऑल्सो एक्टिंग ऑल ऑफ दैट आउट यस yes. तो इसलिए पहले खुद पे फैन गैस कीजिए तब आप दूसरों को समझ पाएंगे और लाइफ में कुछ भी राइट और रॉन्ग यहाँ पे मतलब सब रॉन्ग ही रॉन्ग रौंग दिखेगा आपको लोग गलत बर्ताव करते हुए दिखेंगे और इमेच्योरिटी दिखेगी एंड इफ यू कांट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट फोकस ऑन फैन गैस यस विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेफर रॉय जी पूछ रही हैं हाउ टू डील विद टॉक्सिक मदर इन लॉ हु टू कंट्रोल माई हस्बैंड यहाँ पे तीन लोगों की साइकोलॉजी चल रही है जेनेफर जी एक तो आपकी है जो आपके फीलिंग्स नीड्स है जो चीज़ें आपसे ट्रि आप ट्रिगर हो रहे हो जो आपको फैन गैस में ग्रो करना है एक आपका हस्बैंड है जिसका एक अलग ही रिलेशनशिप स्टाइल है डायनामिक है जिससे वो मदर इन लॉ के साथ में कंट्रोल हो जाता है तीसरा वो है कि आपकी जो मदर इन लॉ है उनका भी एक डायनामिक है एंड माई हम्बल ओपिनियन इज इज दैट येस आपकी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है एंड यू डोंट आप चाहते हो आपके हस्बैंड का आपके साथ में रिलेशन अच्छा हो आपके साथ चीजें अच्छी हों लेकिन वो आपके हाथ के बाहर है तो मेरी ये राय है कि फैन गैस खुद पे कीजिए जितना आप खुद की ये कार्ड्स मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बनाए बहुत जरूरी कार्ड्स है मैं खुद इनको दस पंद्रह साल से एक्चुअली फ्रॉम टू थाउजेंड सेवन आई एम यूजिंग इट बट हाँ ये इस फॉर्मेट में नहीं थे ये अभी बड़े अच्छे फॉर्मेट में है आ, मैं इनको यूज कर करके आई हैव कम टू वेयर आई एम अभी भी मुझे काम करना बहुत बाकी है लेकिन अपनी फीलिंग्स और नीड्स को आप समझोगे एंड यू विल टेक केयर ऑफ दैट हैव अ गोल उस पर फोकस रहिए और जो आपके लिए अभी नीड इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही है कि इज टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड और आपका फैमिली यूनिट का ध्यान अच्छे से दिया जाए जो मदर इन लॉ शायद डिस्ट्रैक्ट करती होंगी वो ना हो और आपके हस्बैंड का ध्यान आपकी फैमिली यूनिट पे रहे ये आपकी दो नीड्स होंगी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आप उन नीड्स पे फोकस कीजिए आप मदर इन लॉ पे मत फोकस कीजिए वो आउट ऑफ कंट्रोल है फोकस ऑन दैट नीड्स उन कंप्लेन करेंगे हस्बैंड को कि तुम मदर इन लॉ की सुनते हो ये वो भाई वो उनकी माँ है उनके साथ पे एक उनका ऋण है एक बहुत डीप कनेक्शन है और आप उस रिलेशनशिप डायनामिक को चेंज नहीं कर सकते हो आप नए आए हो उस इक्वेशन में ये भी आपकी इम्पोर्टेंस है आपकी वैल्यू है ये सब बट थिंग इज वो एक डायनामिक चल रहा है तो आपको क्या करना है आपको अपने हस्बैंड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है विदाउट डिस्कसिंग द मदर इन लॉ इन ऑफ फोकसिंग ऑन अरे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम ये हो जाते हो तुम वो हो जाते हो हैव नाइस लविंग मोमेंट्स हिम लेट हिम फील हैप्पी यू हमेशा नहीं तो हम कंप्लेन मुझे नहीं पता आप क्या करते हो मैं जनरल बात कर रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए और वो नीड एक्सप्रेस कीजिए मदर इन लॉ को मत को नहीं होने वाला बिकॉज वो उनकी माँ तो एक्सप्रेस योर नीड अरे मुझे आपके साथ समय गुजारना है या मुझे लग रहा है कि ये हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है अपने को इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और अगर उसके बाद में भी वो मैनिपुलेट करते हैं होते हैं आप क्या कर लोगे जेनिफर जी आप इतना ही कर सकते हो इसलिए फैन गैस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए शिल्पा साहू जी मैन ऐसे लोगों को देखकर या उनकी बात सुन के उनके सभी मिसबिहेव याद आ जाते हैं फिर हर्ट होने लगती हूँ आई नो शिल्पा जी वेरी गुड पॉइंट ऐसा होता है तो वो जब भी आपको पुराने हर्ट याद आते हैं ये लिस्ट है आपके पास में आप ये ले सकते हैं इट्स नॉट नॉट इवन सिक्स हंड्रेड रुपीज और आपको ये फील ब्रीद और कंफर्ट करना है और फीलिंग्स की समझनी है कि मुझे क्या फील हो रहा है तो जब वो मेमोरी आती है ना तो शांत रहना है तब फैन करना है आपको तब एफ करना है अपने साथ में यस yes? अच्छा मुझे क्या फील हो रहा है अच्छा मुझे ये फील हो रहा है मेरी ये वाली फीलिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही है अच्छा ये वाली फीलिंग सेटिस्फाई नहीं यस yes. अच्छा मेरी कौन सी आवश्यकता जो नहीं पूर्ण हो रही थी जिसके कारण मुझे ऐसा फील हो रहा था अपनी फीलिंग्स और नीड्स के अवेयरनेस करके बाद में अपने आप को उस उस पुरानी सिचुएशन के लिए भी सहलाना है भाई बहन जी शिल्पा जी यस yes. अपनी उस तो हर टाइम अपने आप को समझना और सहलाना है क्योंकि वो सब अनहील्ड चीजें हैं तो वो आपके शरीर में टिकी हुई हैं तो आपने फील भी कंफर्ट नहीं किया है टिकी हुई है फिर वो पूरा उसका जो एनर्जी और उसका जो चार्ज है वो वापस पूरा उठ के आता है तो चार्ज को धीरे धीरे डिजोल्व करना है नेमिंग योर फीलिंग्स एंड 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 नीड्स अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑल थिंग्स डूइंग द द स्टेप्स फील यस सो विश यू बेस्ट शिल्पा साहू जी तब ये करेंगे ना हर सिचुएशन में रिजोल्व करेंगे उसको अपने आप के साथ में तब नेक्स्ट टाइम वो लोग सामने आएंगे आपको उतना चार्ज फील नहीं होगा मेरे साथ किसी ने मतलब अति ही कर दी थी भयंकर अती कर दी थी कुछ दस साल ऑफ माई लाइफ यस मुझे भी ऐसा काफी मतलब एक अंदर टेरर फील होता था तो कई मिठाइयों का दुकान वो नाम से था यस तो जब भी मैं ना वो नाम एंड स्वीट्स डैश स्वीट्स यू नो देखती थी मुझे अंदर में वो सारी बातें वापस याद आती थी मतलब इवन दैट पर्सन इज नॉट देर जस्ट सींगर नेम टू ट्रिगर ऑल द पेन इन मी लेकिन ये जो अपनी फीलिंग्स की अवेयरनेस लाना अपनी नीड्स की अवेयरनेस लाना अपने आप को उस टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस में डालना नॉट थिंकिंग अरे इसने मुझे इतना दर्द दिया ये लोग इतने बेकार है अच्छा मुझे क्या फील हो रहा है मेरी क्या आवश्यकता है मुझे अपने आप को कैसे ध्यान देना है कैसे आगे बढ़ना है ऐसे कर करके फिर स्ट्रांग होना है यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज माय मदर इन लॉ इज एन इनिशिएटेड डिवोटी एंड मेंटली व्हाट टू डू इन दिस केस वेरी यू नो यू हैव टू बी लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम देम हैिव यू इंडिविजुअल सारी डिटेल्स मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि ये काफी कुछ आपके साथ डिफिकल्ट हो रहा है तो आपको कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने आप पे और अपनी लाइफ पे अपने गोल्स पे अपने बच्चों पे अपनी फैमिली पे जो भी है उस पर फोकस करके आगे रहना है वो इंडिविजुअल सोल्यूशन एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कैसे फिट होगा इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू गिव बिकॉज आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स अवेलेबल यस विश यू ऑल द बेस्ट संस्कृति जी एंड uh, इसलिए मैं कहती हूँ लोगों को कि ये सब अपने आप अपने आप नहीं होता है यू हैव टू गेट हेल्प मैं um, अभी मुझे किसी ने मैसेज किया था वो छह साल से दैट मैन इज स्ट्रगलिंग इन हिस्स मैरिज यस Uh, मैंने कहीं एक लाइव शो दिया था एंड फ्रॉम देन आई नो ही स्ट्रगलिंग लेकिन वो अपने आप अपने आप रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी छः साल बाद फिर मैसेज आता है कि अरे मुझे कुछ प्रोग्राम है क्या मेरे लायक तो उनको हम लिंक शेयर करते हैं उनके प्रोग्राम लायक फिर भी वो नहीं कुछ साइनअप करते और फिर अपने आप अपने आप कोशिश करते रहते हैं तो इट इज़ बेटर टू गेट हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल हेल्प एंड गो फॉरवर्ड बिकॉज आप यूट्यूब पे मैं सारे वीडियो में सारी टेक्निक्स दे दूंगी सब कुछ कर दूंगी लेकिन उसको अपने आप इंडिविजुअली अपने जीवन में उतारना क्योंकि हर एक का यूनिक सिचुएशन होती है फिर यूनिक क्वेश्चन होते हैं गेट प्रोफेशनल स्टेप वाइज हेल्प के वीडियो सुन के नहीं होने वाला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हरे कृष्णा जी हाउ टू डील विथ बिहेवियर एंड हाउ टू ओवरकम दिस वेरी गुड क्वेश्चन तो इसमें रितु जी हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं शी इज अटिफाइड कुछ ऑल्सोज दीज डूंग सोल वो खुद को अभी भी एवेलुएट करती हैं सब प्रोसेसेस फॉलो करती हैं थैंक यू रितु जी वेरी रिफ्रेशिंग टू सी दैट अपने टॉक्सिक बिहेवियर को भी कंट्रोल करना समझना डील करना उसके लिए भी फीलिंग्स और नीड्स जानना बहुत जरूरी है तो ये हमारे बिहेवियर जो है जो प्रेशर कुकर की जो सीटी बज रही है वो हमारा बिहेवियर है उसमें जो स्टीम बनी हुई है प्रेशर बना हुआ है वो हमारी फीलिंग्स है नीचे जो आग है वो हमारी नीड्स है थॉट्स है तो हमारी जब नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तब हमारी बहुत दुखी वाली फीलिंग्स होती है नीड सेटिस्फाई होती है तब हमारी अच्छी वाली फीलिंग्स होती है तो वो कौन सी फीलिंग्स का क्या नीड से कनेक्शन है किसके कारण मैं ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर कर रही हूँ और उसको रिजॉल्व करना है लाइक एन अडल्ट इज इंपॉर्टेंट रितु जी एंड यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज सो आई एम श्योर यू डू इट एंड यूर अ वंडरफुल सोल Uh, मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ तो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं लेकिन शायद आप अपने आप को एकदम हाई स्टैंडर्ड पे रखते हैं तो आप और अच्छे से बिहेव करना चाहते हैं तो आई एम श्योर यू डू इट जो ट्रूली टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक होता है ना वो ऐसा प्रश्न पूछता ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है वो परफेक्ट है तो आप ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव में है ऋतु जी विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज निशु कुमारी जी उनको रोक नहीं सकते समझा नहीं सकते तो कैसे डील करें प्लीज हेल्प फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई है दैट इज दल्यूशन अगर वो इंचार्ज है उनके हाथ में चीजें हैं और आपको लग रहा है कि वो अजीब सी चीजें कर रहे हैं लेकिन हमारे एक साथ एक क्लाइंट थे जिनके फादर ने बहुत पैसे कमाए लेकिन बहुत पैसे खोए गलत गलत जगह इन्वेस्ट करके तो उनका जो बचपन है वो बहुत डिफिकल्टी में गुजरा आज ये जो हमारे क्लाइंट है तो बहुत बड़े लीडर हैं, अपनी कंपनी में मैन इज डूइंग वेरी वेल लेकिन इतनी तकलीफ हुई कि वो माँ के साथ में वो बहुत डिफिकल्टीज हुई उस सिचुएशन में बच्चों के साथ में बहुत डिफिकल्टीज हुई तो समथिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल आप जितना कर सकते हैं आप कीजिए बाकी फिर आपको अपने लाइफ को अपने हाथ में लेके यू हैव टू फाइंड योर वे टू फाइनेंस अगर दूसरा नहीं समझ रहा है तो यस yes, अः तो इनके साथ इतना ये हुआ कि जब वो बड़े हुए ना वो बहुत उन घावों से बड़े हुए और आ, फिर भी क्योंकि वो धार्मिक हैं उन्हें अपनी ड्यूटी समझ में आती है ये आ, अपने फादर का वगैरह उन्होंने ध्यान रखा बट फिर उन्होंने इतना जतन से काम किया और इतने जतन से मेहनत करी कि ताकि ही बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वेरी वेल इन करियर और फिर उन्होंने अपनी माँ का और भाई बहनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा सो so, हम कई चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए वी ऑल हैव अनलिमिटेड कैपेसिटी हम हम आगे बढ़ सकते हैं यस विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पिंकी यादव जी माता जी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं ओके आई थिंक ये जेनिफर रॉय जी का क्वेश्चन आंसर हो चुका है वो कनेक्टेड क्वेश्चन है बट वो आंसर हो चुका है सो वी आर बैक टू पिंकी यादव जी ओके okay. माता जी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती हैं और हस्बैंड मुझे मेरी मम्मी को लेकर मुझे बहुत टॉन्ट करते हैं मैं क्या करूं प्लीज हेल्प मी माता जी कि दो तीन लोगों की फीलिंग्स और नीड्स चल रही है यहाँ पे आपकी मदर आपके साथ में रहती हैं बिकॉज ऑफ उनकी कुछ आवश्यकता होंगी आप अपनी मदर को अपने साथ रखते हैं आपकी कोई नीड होगी कि भाई माई नीड इज माई मदर शुड बी टेकन वेल टेकन केयर ऑफ राइट आपके हस्बैंड की कुछ नीड है कि मुझे मेरा एक मुझे संयुक्त परिवार में नहीं रहना है मुझे मेरी इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे मेरी फैमिली का फोकस चाहिए मेरी वाइफ का ध्यान बट रहा है अपनी माँ की तरफ मुझे नहीं पता क्या चल रहा है yes. सबकी नीड्स हैं आपके हस्बैंड की एक पर्टिकुलर नीड है आपकी की एक पर्टिकुलर नीड है आपकी मदर की एक पर्टिकुलर नीड है अब वो सब संयुक्त वे में आप लोग रह रहे हैं तो आपको अब ये सब समझ के चलना है अभी रही बात वो आपको टॉन्ट कर रहे हैं पे ही boiled down होता है। किसी की नीड्स गलत या सही नहीं होती है वो तो उसको कैसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल होता है तो उनकी नीड्स क्या हैं वो समझिए है कि आपकी माँ के साथ में रहने के कारण कोई आपके हस्बैंड की नीड्स पूरी नहीं हो रही है वो समझने की कोशिश कीजिए और उन चीजों पर ध्यान दीजिए राइट और सेकेंड थिंग इज जब वो आपके साथ में गलत बर्ताव करते हैं अभी टॉक्सिक हम इजीली कह देते हैं लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं करेक्ट लेकिन जो भी है वो आपके लिए एक असहनीय बर्ताव है जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है और आपको दुख भी होता है फिर वो शायद आपकी माँ के बारे में कुछ बोलते होंगे तो उससे आपको और तकलीफ होती है। आपकी नीड्स क्या है वॉट आर योर नीड्स क्या आपकी ये नीड है दैट माई मदर शुड बी वेल टेकन केयर ऑफ क्या आपकी नीड है माई मदर शुड बी रिस्पेक्टिव क्या आपकी नीड ये है कि भाई मेरी माँ है मुझे इनका ध्यान रखना है तो मेरी भी नीड समझिए आप जब हम अपनी नीड्स समझते हैं तब इंस्टेड ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय द टॉक्सिक बिहेवियर जब हम अपनी फीलिंग्स और नीड्स का ध्यान रखना सीखते हैं ये चार्ट देखकर और डिटेल में समझते हैं तब हम उनको एक शांत वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं कि ये मेरी नीड्स है और हम रिक्वेस्ट कर पाते हैं उनको कि आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेक केयर ऑफ योर नीड आपकी भी क्या नीड्स है आप मुझे बताइए हमेरी ये नीड्स हैं तो कैसे इनमें हम दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए आगे बढ़े राइट right? क्योंकि कोई चिल्ला रहा है प्रेशर कुकर बज रहा है उसका अंदर कुछ फीलिंग्स और नीड्स हैं तो नीड्स के बेसिस पे आप डिस्कशन कीजिए और आगे बढ़िए और उसके बाद में भी अगर कुछ नहीं होता है तो अपनी फीलिंग्स और नीड्स का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस पर फोकस्ड रहिए और आगे बढ़ते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पूनम जी अगर हस्बैंड आफ्टर ट्वेंटी इयर्स ऑफ मैरिज अपनी फैमिली पफेट हो एंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिस्स फैमिली मेम्बर्स ओनली व्हाट टू डू आई डोंट थिंक आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मे बी यू कैन ट्राई टाइपिंग इट आउट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शशि सिंह माता जी माई ब्रदर डजेंट लिसन टू एनी वन ईज थर्टी वन इयर्स ओल्ड हीज सिटिंग एट होम सिंस फाइव इयर्स नो जॉब एट ऑल

क्या नीड्स है उसकी जो वो सेटिस्फाई कर रहा है कुंडली जागृत करके और ये करके कई नीड्स होती है राइट right? uh, जैसे अगर मैं ये कार्ड्स को देखू अभी इनमें क्या नीड्स है उनकी इज इज नीड टू बी बी दैट्स टू 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 गो वर्क और और हिज नीड इज इज देखिए राइट फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसकी नीड अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना उसकी नीड क्या है उसकी नीड वो क्या पूरी करने की कोशिश कर रहा है राइट right? कई बार दे ट्राई टू फील सिग्निफिकेंट बाय गोइंग डीपर इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दे वांट की नीड सिग्निफिकेंस अभी अगर वो नहीं मान रहे हैं और मेरी नीड है कि मेरा भाई लाइन पे लगे सही तरीके से काम करे अपना परिवार बढ़ाए अपने माँ बाप का ध्यान रखे वो मेरी वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है और मैं बहुत दुखी हो रही हूँ मेरी वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो कई बार हमें एक तो मैं एक खुद के लिए लिमिट सेट करती हूँ कि मैं कब तक किसी को कुछ बोलने वाली हूँ मैं फिर मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज आई कैंट चेंज समवन जो चेंज नहीं होना होता है तो आई मुझे ये पता होना चाहिए कि डू आई कॉल माई सेल्फ डाउन ठीक है मैंने ये पाँच बार बोल दिया तीन साल से बोल दिया चार साल से बोल दिया फिर भी ये इंसान नहीं बदल रहा है तो मुझे क्या मेरी एनर्जी और इसमें डालनी है इंसान में जो बदलना नहीं चाहता है जैसे मैं किसी के साथ शेयर कर रही थी हरे कृष्णा टीवी पे ही कि जैसे जब अमेरिका में कोई एक्सीडेंट होता है फिजिकल एक्सीडेंट होता है वो लोग जब आते हैं और ये मैंने मतलब आई नो समथिंग लाइक दिस राइट लाइक एक बार सात आठ दस साल पहले की बात है कि हमारे सियाटल में कोई कॉन्ग्रीगेशन में किसी की फैमिली का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था तो मैं और एक और डिबोटी हम लोग सात घंटा ड्राइव करके गए थे उनके साथ रहने के लिए आ, मतलब जिनका फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था वो तो पहुंच ही गए थे फिर हम भी उनको सपोर्ट करने गए थे वहां पे तो वहां पर अब बता रहे थे कि कैसे हुआ क्या हुआ हेलीकॉप्टर वगैरह आ गए थे उनको बचाने के लिए एक्सीडेंट हुआ तो जो आ, पीछे बैठे थे एक लेडी बैठी थी उसके माँ बाप बैठे थे आगे उनका हस्बैंड ड्राइव कर रहा था और साथ की सीट में बेटा था उनके सामने तो वो जो माताजी थी उनकी वो कह रही थी कि अरे ऐसा हुआ वो यू नो भयंकर रोड पे एक्सीडेंट हो गया हेलीकॉप्टर आया और फिर वो यू नो पैरामेडिक्स आ गए वगैरह और मैं बार बार कह रही थी कि अरे मेरा जो जवाई है मेरे बेटी का हस्बैंड अरे उसको देखो उसको देखो वो, उसको ज्यादा चोट लगी है और बोलती फिर मैं देख रही थी कि वो उस उसपे ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो मुझे स्ट्रेचर पर डाल रहे थे मेरे हस्बैंड को डाल रहे थे मेरी बेटी को मेरे मेरे नाती को उन सबको डाल रहे थे उन उनपे ध्यान नहीं दे रहे थे बोलती तब मुझे समझ में आया कि शायद ये हालत बहुत खराब है इनकी तो वहां पे ऐसा प्रोटोकॉल है कि जिसको आप दिख रहा है कि ये इसमें बचा एनर्जी जितनी भी डालेंगे ये बच नहीं सक रहा है या रिस्पोंड नहीं कर रहा है आ वो उस पर नहीं डालते एनर्जी वो उन पे एनर्जी डालते हैं जिनको बचाया जा सकता है जिनको सेव किया जा सकता है इफ यू तो मेरा भी ये प्रिंसिपल है कि कई लोग जो ज्यादा मतलब उनको अपनी सिचुएशन से नहीं चेंज होना है आई डोंट पुट माई एनर्जी इन दैन तीन चार बार बोल दिया पांच छह बार बोल दिया कर दिया उसके बाद में भी अगर वो नहीं समझ में आ रहा है इज एन अडल्ट वो बच्चा नहीं है आपका भाई तो मैं फिर उस पर मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हूँ हाँ अगर आपकी ये नीड है कि मेरे पेरेंट्स का ध्यान अच्छे से हो ये हो वो हो तो फिर मैं मेरी एनर्जी मेरे पेरेंट्स के ध्यान पे जो जिन जो मैं कर सकती हूँ जहाँ पे कुछ प्रभाव होगा मेरे एफर्ट्स का उस पर डालूंगी आई वेस्ट माई एनर्जी ऑन हिम जितना भी मुझे फील हो अंदर से मैं एक्सेप्ट करूंगी कि ये मेरा भाई अभी ऐसा ही है हाँ अगर आपको एनर्जी डालनी है उतनी डालते जाइए होप फॉर इट बट वी कांट गारंटी कि हाँ मैंने कुछ बोला और वो अगला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये कला मुझे सिखाना नहीं आती है जो तो ट्रांसफॉर्म होना चाहता है मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ हेल्प कर सकते, सकते हैं हम स्टेप्स दे सकते हैं बट जो नहीं होना चाहता है वी कांट डू एनीथिंग यस आई होप दिस हेल्प्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आई थिंक वी आर ओवर टाइम सो आई आई वेट फॉर टेक्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आयुषी श्रीवास्तवा जी क्या ये लोग जो इमोशनली अब्यूज करते हैं क्या ये कभी दुनिया के सामने एक्सपोज होते हैं क्योंकि ये अकेले में ऐसा करते हैं और दुनिया के सामने अच्छा बनते हैं ये एक्सपोज होते भी हैं और नहीं भी होते हैं तो मैंने दो टाइप के लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया है एक तो होते हैं छोटा रावण और एक जो होते हैं बड़ा रावण और अगर आप शो में बाद में जुड़े हैं तो बाद में इसी लिंक पे जहां पर भी आप देख रहे हैं आपको बाद में एज दियर शो एंड आपको पूरा शो मिल जाएगा राइट तो जो लोग छोटे रावण होते हैं वो आउट ऑफ इमेचोरिटी ऐसा बिहेव करते हैं उन्हें जब समझ में आता है उनमें बदलने की क्षमता रहती है वो सीखने लायक होते हैं वो होते हैं, टॉक्सिक होते हैं जो एक्चुअली इमोशनली पीपल होते हैं, जो जान बुझ के ऐसा करते हैं वो एक्सपोज भी अगर कहीं होते हैं तो वो उस सर्कल में फिर ज्यादा दिन नहीं रहते हैं वो तुरंत अपना सर्कल चेंज कर देते हैं वो उस सर्कल में वापस जाते ही नहीं है जहां पे वो एक्सपोज हो चुके हैं री गुड एट फाइंडिंग न्यू पीपल टू एक्सप्ल टू फाइंड लव बॉम्बिंग करना ये करना वो करना चार्मिंग रहना फिर वो इस सर्कल में एक्सपोज हो जाएंगे फिर वो कुछ और सर्कल ढूंढ लेंगे ऐसे लोगों का कभी भी कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं रहेगा और हमें लगता है कि नहीं एक बार इनको एक कहीं कॉर्नर कर दिया जाए ताकि इनको समझे कि इन्होंने कितना गलत किया है वो तो नहीं हो पाता है बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट जैसे इनके ये किसी के हाथ में नहीं आते जैसे समझ लीजिए किसी के हाथ में बहुत सारा तेल लगा है आप उसको कितना भी पकड़ने की कोशिश करोगे वो स्लिप होता जाएगा आपके हाथ से यस yes? ये ऐसे होते हैं तो आपको अगर मन में है कि एक दिन ये एक्सपोज हो कॉर्नर हो वगैरह वो सब में एनर्जी मत लगाई है बिकॉज इनकी पी हासिल है लोगों को चाम करना और फूल करना और जहाँ एक्सपोज हो गए वहां सर्कल चेंज कर देंगे तो इसलिए फोकस ऑन योर सेल्फ हीलिंग योर ओन पेन हमारे पास में हील स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है हील स्ट्रॉन्ग की जंप स्टार्ट की वर्कशीट भी है लिंक्स मैं नीचे दे चुकी हूँ हमारा हील स्ट्रॉग का इंस्टाग्राम पेज भी है लिंक्डइन पे भी पेज है जहाँ पे भी आपको कनेक्ट करना है हम बहुत सारे टिप्स शेयर करते हैं फ्री वर्कशीट है पूरा प्रोग्राम है पेड प्रोग्राम है कोचिंग का कोर्सेज है सब कुछ है आप जो आपको अच्छा लगता है वहां जाइए फोकस ऑन योर ओन हीलिंग ऑन योर ओन ग्रोथ एंड योर ओन गोल्स यस सो so, मुझे अभी लग रहा है कि हम ओवर टाइम जा चुके हैं अः uh, लेकिन शायद हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं तो मुझे किसी ने कहा है आई एम वेरी सेंसिबल थैंक यू आई फील हैप्पी टू हियर दैट तो मैं थोड़े कमेंट्स देखती हूँ uh, मुझे भी मजा आता है आप लोग की बातें देख के सो so, आज मुझे किसी ने सेंसिबल बोला ओके आई फील सेंसिबल टूडे छाया मराठे जी कह रही हैं अः uh, हरे कृष्णा जी थोड़ा एक पुरुष का भी हम लेना चाह रही है ना क्वेश्चन Uh, माता वंश सुमानी जी का प्रश्न है माता जी घर वालों से किसी भी बात करें वो चढ़कर जवाब देते हैं रिक्वेस्ट करने पर भी वो मुझे ब्लेम करते हैं एंड दे मेक फन ऑफ माय भक्ति आई नो इट्स हार्ड वेरी डिफिकल्ट आपकी आवश्यकता क्या है कि यू वांट टू बी अंडरस्टूड यू वांट टू कनेक्ट लेकिन वो आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है और वो लोग स्वभाव नहीं बदलने वाले हैं तो आप क्या करेंगे अपनी नीड को पूरे करने के लिए वंश सुमानी जी दूसरा सर्कल बनाएंगे जहाँ पर ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स ढूंढेंगे कहीं और ताकि मेरी वो नीड हो इन लोगों से नहीं हो रही तो कहीं और हो जाएगी अपने धार्मिक वैल्यूज के फ्रेमवर्क में अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करेंगे तो ये रहे अब हम शो को समाप्त करते हैं विराम लेते हैं बहुत अच्छा लगा आज फिर आप सबके साथ में जुड़ के बातचीत करके लेकिन ये बात समझना जरूरी है सिर्फ YouTube वीडियो देख देख के चीजें नहीं होती है सिस्टमैटिकली चीजें करनी पड़ती है इसलिए आपके पास में वर्कशीट है आ, मैंने प्रोग्राम का लिंक दे चुका है आपको वो भी नहीं करना है तो फैन का जो टिप है उसके लिए ये फ्लैश कार्ड भी अवेलेबल हैं और इनका लिंक है शॉप उसका भी जो लिंक है वो है हमारे डिस्क्रिप्शन में तो टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स और अः uh, अब हम थोड़ा सा समरी करते हैं तो आज हमने uh, बड़े टॉक्सिक लोग और छोटे टॉक्सिक लोग राक्षस जो छोटे राक्षस और बड़े राक्षस दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है कैसे हमें अफेक्ट होता है और वो क्या क्या करते हैं हमारे साथ में टॉक्सिक बिहेवियर जिसके कारण में और हमने बड़े राक्षसों पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि बड़े से डील कर लिया तो यार सबसे कर सकते हैं और फिर हमने फैन गैस की टिप्स शेयर करी है विच आर फीलिंग्स अवेयरनेस एंड नीड्स अपनी फीलिंग्स को समझना नाम देना अपनी अवेयर होना क्या हो रहा है मेरे शरीर में थोड़ा काम नहीं दे रहा है एक मिनट और अपनी नीड्स को समझना और उनका ध्यान देना जी अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना ए प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्टिंग एक रियली अडल्ट बनना ना सिर्फ की एज में एक रियल अडल्ट होना मतलब कि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है समझ के चलो आगे बढ़ते रहो और उसमें भी मैंने कई सारी टिप्स शेयर करी है और ऐसे स्पिरिचुअल सेल्फ लव भगवान के साथ कनेक्ट करना अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखना और अपने आप को भी एक्सेप्ट करना प्रेम करना और अपने साथ में हर चीज में खड़े रहना सेल्फ पार्टनर्ड रहना हमने आज ये चर्चा करी है फैन गैस इज द कोड यू ऑल द वेरी बेस्ट भगवान करे कि आपके जीवन में आ, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हो बहुत प्रेम मिले और जहाँ नहीं मिल रहा हो वहाँ आप उसमें खो ना जाए बट उसमें से एक लेसन लेके फैन गैस करें और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाएं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें यस सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द हरे कृष्णा टीवी चैनल इतना बढ़िया चैनल है इतना अच्छा काम होता है इतने अच्छे स्पीकर होते हैं तो जब आप इसको लाइक like, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे लाइक like और सब्सक्राइब भी करेंगे नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे तो आपको जो इतने अच्छे अच्छे शोज यहाँ पर आते हैं उन सबके बारे में मिलते रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे और इस चैनल को डोनेट भी कीजिए चाहे आपने कुरुक्षेत्र के कोई मंदिर में या यहाँ कोई कहीं और कर दिया और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो लेकिन जहां जहां से हमें लाभ मिलता है हमें वहां पर ऋणी थोड़ी रहना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए ना अगर इतना लाभ मिल रहा है तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और आगे बढ़ते रहिए और मेरे भी बहुत सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और मैं रियली चाहती हूँ कि ये चीजें आप तक पहुंचे बिकॉज ये एक बॉम्ब है आपकी लाइफ का और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट अब हम मिलेंगे दो हफ्ते बाद थैंक यू एंड हरे कृष्णा